would like to invite Gesa sir. Sir has given a lecture in our Guru Purnima event. His institute in Dombivli, sir. Dombivli is there. He has many, many students. If you are from Dombivli, anybody here, or even those who are watching the video, if you are in Dombivli, please go and learn. He has good mastery on Astro Vastu also. Am I right, sir? Of course, there will be mastery on many subjects. I do not know. Slowly, slowly, my request is Gesa sir to keep on coming, gracing the event, and slowly, slowly reveal his secrets to us. Thank you so much. I would like to share something with you, friends. I was speaking to sir outside at this time, 4:30. Looking to the Prashna chart, sir had given me his own prediction that I will not go on stage till Kumbh Lagna is in progress, and just see how the Lagna has changed now. 5:27. See, he predicted me in Lagna start hoga, main koi stage pe jaunga. Sorry, he predicted at 4:30. Only after main Lagna started, I will be called, not as per schedule, at 5 p.m. And just for the record, his lecture was supposed to be at 4 o'clock. That means 2 hours before. Right. 2 hours before. And I kept on apologizing to sir. I sent him ki papa se apology bol, thoda schedule mein upar niche ho gaya. The schedule seems to have changed. I do not know how long it will go, you know. Brilliant. Absolutely brilliant, sir. Yeah. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah. आप थोड़ा संभाल लेंगे मुझे, क्योंकि by birth मैं मराठी हूँ, तो मेरा हिंदी थोड़ा बेर कीजिए, थोड़ा संभाल लो. प्रश्न कुंडली पहली जो ये है कि मुझे जो सब्जेक्ट दिया है कि प्रश्न कुंडली, नॉर्मली ऐसे सवाल आते हैं मन में कि मेरे पास लग्न कुंडली है, राशि कुंडली है, मैं केपी से काम कर सकता हूँ, तो प्रश्न कुंडली की क्या जरूरत है? मतलब जितने भी ये बढ़ेंगे तो और ज्यादा मुसीबत होगी. उससे अच्छा है एक ही कुछ रहेगा तो वो ठीक रहेगा. लेकिन थोड़ा हम लोग अगर सोचेंगे प्रश्न कुंडली के बारे में तो ऐसे समझ में आ रहा है कि बहुत से टाइम के, जैसे कि हमारे जमाने के लोग है कि उनकी होरोस्कोप बनाई नहीं है, या बनाई गई है तो वो करेक्ट है कि नहीं उन्हीं को मालूम नहीं. कभी कभी ऐसे बोलते हैं गांव में जन्म हुआ है तो पोस्टमैन आया था उस टाइम जन्म हुआ, मतलब पोस्टमैन नहीं आएगा तो जन्म होगा कि नहीं होगा, मतलब उनका जो होरोस्कोप है वो करेक्ट नहीं है. और एक बात रहेगी, मतलब कोई लोगों की तो होरोस्कोप होती ही नहीं है, तो होरोस्कोप करेक्ट नहीं है, होरोस्कोप नहीं है, होरोस्कोप अभी मेरे पास नहीं है. लेकिन मेरे पास मेरे सवाल तो है, हर कदम पे हमें सवाल होते हैं कि नहीं, और वो सवाल है, और अगर वो सवाल है तो सवाल के जवाब भी मुझे चाहिए. तो उसी लिए प्रश्न कुंडली की आवश्यकता रहती है. और एक बात इसमें रहेगी कि बहुत से प्रश्न जो है कि हर कुंडली, हर लोग लग्न चार्ट से या राशि चार्ट से बहुत से सवाल का जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे. कि जैसे कि अभी आपके सामने आएगा आगे कि एक ये है कि चोर कौन है करके, तो ये चोर कौन है उसका नाम कैसे मैं बताऊंगा, तो लग्न कुंडली से तो नहीं बताया जाएगा. या फिर एक और एक सवाल आ गया है कि एक छोटी नन्ही मुन्नी लड़की थी, उसका पैरेंट हो गया है तो वो मिलेगा कि नहीं, वो मैं कैसे कुछ कुंडली से ढूंढ पाऊंगा. या फिर और ये है कि एक का पड़ोसी घूम गया है, उसको मैं कुंडली से कैसे ये कर पाऊंगा कि उसी के उसके कुंडली से उसका पड़ोसी घूम गया है, वो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा, वो नहीं ढूंढ पाऊंगा. तो उसी लिए ये सब ऐसे सब इसके लिए हम लोगों को प्रश्न कुंडली काम में आती है. जैसे कि हर शास्त्र की मर्यादा है, हर फैकल्टी की मर्यादा है, प्रश्न कुंडली की भी मर्यादा है. और कोई भी फैकल्टी सीखने से पहले अगर हम उसका लिमिटेशन जान लेंगे तो वो अच्छा रहेगा कि मैं कितनी हद तक इसके ऊपर भरोसा करूं, कितने हद तक इसका सहारा लूं, ये अगर हम लोग जान लेंगे तो अच्छा रहेगा. तो प्रश्न कुंडली की मर्यादा क्या है?
क्योंकि प्रश्न कुंडली की मर्यादा यह है कि अगर आप कुंडली बनाओगे और बोलोगे कि लाइफ रीडिंग दे दो, तो लाइफ रीडिंग हम लोग नहीं दे पाएंगे। प्रश्न कुंडली में एट अ टाइम एक ही सवाल का जवाब आप दे सकते हो। दूसरी मर्यादा उसकी ऐसी है कि मैं इनके पास गया, प्रश्न मेरा का मेरी कार खो गई है, तो इन्होंने कहा कार नहीं मिलेगी, मुझे दुख हो गया, तो मैं फिर इनके पास गया कि शायद ये बोलेंगे कि मेरी कार खो गई है तो मिलेगी करके। तो प्रश्न कुंडली की मर्यादा यह है, लिमिटेशन यह है कि एक सवाल आप एक ही बार सॉल्व कर सकते हो। बार बार वो सवाल लेके आप एक जो जैसे अभी सुनील जी ने कहा कि बनारस में एक हर दो घर के पास ज्योतिषी है, तो ये ज्योतिषी के पास वो ज्योतिषी, वो ऐसे आप लोग नहीं जा सकते, तो ये उसकी मर्यादा है। बाद में हम लोग अगर देखेंगे इसके आगे, तो जो हम लोग ज्योतिष सीखना चालू करते हैं तो अवधारणा चक्र में जो अलग अलग बात होती है तो उसमें नक्षत्र लोचन की बात आती है, और नक्षत्र लोचन से शुरू में हम लोगों का ऐसे सिखाया जाता है कि अंध लोचन नक्षत्र में अगर कोई चीज गुम हो जाए तो वो जल्दी मिलती है 15 मिनट में, सुलोचन नक्षत्र में अगर वो चीज गुम हो गई तो वो मिलती ही नहीं है। लेकिन अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि इसके ये जो लिमिटेशंस मैं बोल रहा हूँ वो इसके लिए नक्षत्र लोचन की, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि 10 में से 4 कुंडलियां मैंने ऐसी दी है, आप चाहे तो नोट कर सकते हो कि वीसा के बारे में एक प्रश्न कुंडली है, उसका भी चंद्र सुलोचन में है, डॉटर इज हॉस्पिटलाइज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, उसका भी सुलोचन नक्षत्र में है, और एक है कि पैरेंट लॉस वो भी सुलोचन नक्षत्र में है, तो उसका जवाब तो ना आना चाहिए, नहीं होगा करके आना चाहिए, लेकिन तीनों भी रिकवर हो गए हैं। मतलब ये जो लोचन की जो मर्यादा है वो समझ लेना जरूरी है। और एक बात हमको समझ लेना चाहिए कि समझो आज का नक्षत्र अभी रोहिणी चालू है, तो रोहिणी अंधलोचन नक्षत्र है, तो अगर मेरे पास एक आदमी आ गया वो बोला कि मेरा बच्चा खो गया है, तो मैं बोलूँगा कि अंधलोचन नक्षत्र है, पूर्व दिशा में ढूंढो वो मिल जाएगा, मैं 15 मिनट में आपको मिल जाएगा। थोड़ी टाइम के बाद और एक आदमी आया, मैं अभी ट्रेन से उतरते मेरा पॉकेट मार गया, तो उसको भी मैं वही जवाब दूंगा, तो ये सही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेरा बच्चा जो है, मेरा लड़का जो है वो मैं 5th हाउस से देखता हूँ, और मेरा पॉकेट पैसा जो है वो मैं 2nd हाउस से देखता हूँ, तो मुझे अगर आगे बढ़ना है तो ये ज्ञान जोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, जो मैं सीखा हूँ वो जोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो समझ में आता है कि वो जरूर चाहिए। और जिसको हम लोग प्रश्न कुंडली का आत्मा बोलते हैं, या प्रश्न कुंडली किससे बराबर आएगी, ये जो अगर हमको देखना है बराबर आएगी कि नहीं आएगी, तो उसमें सबसे जरूरी है कि इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड, कि इंटेंसिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट, जातक की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड है, वो प्रश्न कुंडली के लिए बहुत ही जरूरी है, प्रश्न कुंडली के लिए वो बहुत ही जरूरी है। मैं समझो आप ज्योतिषी है, लोगों को मालूम है, रास्ते में जाते जाते आपको कोई मिल गया और बोला अरे भाई कल मेरा इंटरव्यू है, मैं क्या रिजल्ट होगा, तो अगर हम लोग नहीं मिलते थे तो क्या वो सवाल कर हम लोग सवाल का जवाब दे पाते थे, या सवाल कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ठीक है, मतलब उसको वो इंटेंसिटी है ही नहीं। अभी जब मिल ही गए हो तो चलो जवाब भी दे दो, ये इसका तरीका होता है, तो हो सके तो ऐसे तरीके इसके जवाब मत दो। इसका जवाब देने का भी मैंने जो 1st अगस्त के इसमें हुआ था, इसका भी जवाब हम लोग दे सकते हैं, उसका मैंने 1st अगस्त में जिक्र किया था गुरु पूर्णिमा का दिन, कि हम लोग कुंडली से नहीं लेकिन शिव सूर्योदय से, इसका भी जवाब कोई भी साथ में इसका सवाल आप कोई भी टाइम में पूछो उसका जवाब शिव सूर्योदय से दे सकेंगे, वो जो मैंने 1st अगस्त में इसमें किया था वो। तो इंटेंसिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट ये बहुत ही जरूरी है, और ये इंटेंसिटी है कि नहीं ये भी हमको समझ में आएगा। ऐसे होता है कभी कभी कि लोग बोलते हैं कि हमारे सवाल का जवाब तो तुम आप देने वाले हो, ठीक है, तो एक काम करो सवाल भी आप ही बोलो, कि मेरा क्या सवाल है वो भी आप ही बोलो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो पूछ रहा है आदमी, अगर वो दिल से सच्चे दिल से पूछ रहा है, वो सचमुच नीडी है, तो हम लोग वो प्रश्न कुंडली देख के बोल सकते हैं कि इसका ये सवाल इसका सही है,
या फिर बोल सकते हैं कि तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं है, इसके बगैर जाए ये सवाल है, ये हम लोग आगे देखेंगे, जरूर आगे हम लोग देखेंगे कि प्रश्न कुंडली कौन सी वक्त के तैयार बनाई जाए, ऐसे एक सवाल आता है। जैसे कि हम लोग आगे जाके देखेंगे कि एक की कार मिसिंग हो गई, 4 दिन पहले उसकी कार मिसिंग हो गई, उसको दूसरे दिन मालूम हो गया, फिर 4th दिन वो मेरे पास आया। तो सब शुरू में ऐसे मन में आता है कि जो जिस दिन कार मिस हो गई उसका उस टाइम की कुंडली बनानी है, जब मालूम हो गई उस टाइम की बनानी है या अभी की बनानी है। तो जब भी ज्योतिषी का उस प्रश्न से संबंध आता है उसी टाइम की कुंडली बनानी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, यस, लेकिन मेरा संबंध तो अभी आया है ना, अभी आया है, तो मैं यहाँ अभी की कुंडली से जवाब दे पाऊंगा। मैं आपको सवाल के आपके जो भी डाउट्स है उसके लिए सेपरेट टाइम दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि एट एंड ऑफ माय लेक्चर आपको एक भी सवाल नहीं रहेगा। मैं दूंगा टाइम, जरूर दूंगा। तो और एक क्यों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लिंक टूट जाती है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि मैं सब सवाल के आपका जवाब दूंगा। ऐसे सोचिए कि हमारे जब भी हम ऑफिस में बैठते हैं, कंसल्टिंग के लिए बैठते हैं, 10-12 लोग बाहर आके बैठे, तो एक के पीछे एक आते रहते हैं। तो एक आदमी सामने आया, वो कभी कभी आधा घंटा पहले आके बैठा है बाहर, और वो आके मुझे पूछ रहा है कि मेरा घर होगा कि नहीं होगा। मतलब उसका सवाल जो है वो घर से है, और जब मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूं तो मुझे ऐसे दिखाई देता है वो कुंडली में कि मैं कर्क लग्न की कुंडली बना रहा हूं। तो कर्क लग्न का घर से संबंध है ना, अगर आधा घंटा पहले वो मेरे सामने आता था तो उस टाइम मिथुन लग्न होते थे, जैसे अभी इन्होंने ये कहा कि मिथुन लग्न होते, तो मिथुन लग्न का घर से संबंध नहीं है, तो कर्क लग्न का जरूर संबंध है। अभी जैसे मैंने इनसे बात कहा, इन्होंने बताया, हमारी बात हो गई पीछे, कि मुझे शुरू में ऐसे बताया गया था कि 4 से लेकर 5:30 बजे तक, आपको सुनील सर ने बताया था कि 4 से लेकर 5:30 बजे तक सर आपको लेक्चर देना है। मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन जैसे ही मैंने ये 4 से लेकर 5:30 का टाइम देखा तो देखा कि कुंभ लग्न है और मेरा खुद का कर्क लग्न है, तो कुंभ लग्न में मुझे अवसर मिलेगा क्या? अष्टम भाव में आता है ना वो लग्न, अवसर नहीं मिलेगा। तो 5:30 बजे जैसे ही मैंने उनसे वही कहा कि नॉट बिफोर 5:30 मैं उधर जाऊंगा, जब तक मीन लग्न चालू नहीं होता है, तृतीय भाव में चंद्र नहीं आता है, आज वृषभ राशि है ना, तब तक मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी घटनाएं घटती है वो अभी के टाइम के हिसाब से घटती है। जैसे कि आप जो कृष्णमूर्ति पद्धति के अभ्यासक होंगे वो इलेसर जी ये करते हैं, वही वो इलेसर जी बताता है कि नहीं कि सवाल है कि नहीं, जो बताता है। तो वैसे ही जो घटना ही घटती है वो जो अभी टाइम चल रहा है वो टाइम से चले। तो प्रश्न कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी का जो होरा चल रहा है, होरा शब्द की जो ये हुई है वो अहोरात्र से हुई है, मतलब दिन रात जो चलता है उसे होरा कहते हैं। अहोरात्र का पहले अ हटाया जाए और लास्ट का त्र हटाया जाए तो क्या रहता है, होरा। जो दिन रात चलता है उसको होरा कहते हैं। तो आपको होरा कैसे कौन सा है ये मालूम होना बहुत ही जरूरी है, और अभी आप देखेंगे तो अभी जैसे ही मीन लग्न चालू है और गुरु का होरा है, मीन लग्न चालू है और गुरु का होरा है, हम काम क्या कर रहे हैं, गुरु के काम, गुरु का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं। वो गुरु षष्टम स्थान में है, सिंह राशि में है गुरु, है ना, तो उसके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं कि नहीं कर रहे, जरूर ले रहे हैं उसके लिए, बराबर। तो जो होरा चल रहा है, जो होरा चालू है वो आपको बताएगा कि सवाल क्या है, सवाल का जवाब आप मत, मतलब अभी नॉर्मली जो बेसिक्स ये है वही हम लोग अप्लाई करेंगे कि अगर रवि का होरा चल रहा है तो या तो पिता के बारे में सवाल होगा, या तो उत्कर्ष के बारे में, प्रमोशन के बारे में, या तो बच्चे के बारे में, लड़के के बारे में सवाल होगा,
चंद्र का होरा चल रहा है, या तो फिर माँ के बारे में, या फिर घर के बारे में, या फिर कोई भी सुख के बारे में चंद्र का होरा, गुरु का होरा चल रहा है, वो तो ज्ञान बताएगा, नहीं तो प्रतिगमन बताएगा, या तो फिर जो ये है मोक्ष मार्ग, उसके बारे में सवाल होगा। कभी कभी ऐसे ध्यान में आता है कि अभी गुरु का होरा चल रहा है और जो कुंडली मैंने बनाई है, जो प्रश्न अभी की नहीं, जब भी मैं बना ये करता हूं तो गुरु का होरा चल रहा है और सामने जो आदमी आके बैठा है, तो शुरू में मैं उसको पूछता था कि अभी गुरु का होरा चल रहा है तो तुम एजुकेशन के लिए आए हो या बच्चे के लिए आए हो या फिर कुछ घूमने घूमने जाने का आपका इरादा है या तीर्थ यात्रा करने का इरादा है। उसने कहा नहीं, ये मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं आया हूं कि मेरा ऑफिस में प्रमोशन होगा कि नहीं। तो मैं बोला यार ये तो थ्योरी गलत हो रही है। तो फिर जैसे मैं कुंडली में देखा मैंने, तो पाया कि वो जो गुरु है होरा स्वामी, वो दशम भाव में। तो होरा स्वामी प्रश्न कुंडली में जहां होता है उसके बारे में सवाल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या उससे जो जुड़े हुए ये है उससे सवाल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके साथ और दो तीन ग्रह की हम लोग मदद लेंगे कि एक तो है लग्नेश, हम लोग सब ज्योतिष में बहुत आगे आ चुके हैं, तो लग्नेश का बलाबल मतलब लग्नेश शुभ स्थान में है, शुभ दृष्टि में है, शुभ ग्रह के साथ है, अशुभ स्थान में है, शुभ ग्रह के साथ है तब तक वो अच्छा है, वो अशुभ ग्रह के स्थान अशुभ राशि में है, अशुभ स्थान में है, अशुभ ग्रह के साथ है तो वो अशुभ है। दूसरी बात हम लोग ऐसे ध्यान देंगे कि कार्येश, पहला लग्नेश दूसरा कार्येश, तो जैसे सवाल बदलते जाते हैं कार्येश बदलते जाएंगे। मतलब अगर धन के बारे में सवाल है तो धनस्थान का अधिपति कार्येश होगा, अगर वाहन या घर के बारे में सवाल है तो चतुर्थ भाव का अधिपति कार्येश होगा, अगर लड़के के बारे में सवाल है तो पंचम भाव का अधिपति, जो हम लोग सीखे है वैसे। तो कार्येश का बल भी लग्नेश के जैसे ही हमको देखना है, वो आप समझ रहे हैं शुभ अशुभ आप समझ रहे हैं, मुझे वो ये करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रश्न कुंडली का आत्मा, वो है चंद्र। तो एक बात आप नोट करके लीजिए कि चंद्र प्रश्न कुंडली इंडिकेट करता है। चंद्र जैसे होरा स्वामी इंडिकेट कर रहा है और रास्ता बता रहा है, वैसे चंद्र प्रश्न कुंडली इंडिकेट करता है, वो आंसर नहीं है। थोड़ा और क्लियर करता हूं, कैसे समझिए कि सिंह लग्न कन्या राशि की कुंडली है, तो द्वितीय स्थान में चंद्र आया तो 100 में से 95 ज्योतिषी बोल देंगे कि पैसा मिल जाएगा। नहीं, वो पैसे के बारे में सवाल है ये बता रहा है, पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा वो और आगे उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है। तो ये बात नोट करना जरूरी है। तो प्रश्न कुंडली का उत्तर होकर अर्थी आने के लिए एक दो तीन ये मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा लग्नेश कार्येश और चंद्र के ऊपर ध्यान देना है, तो लग्नेश का लग्न भाव पे, कार्य भाव पे, कार्येश पे या चंद्र पे दृष्टि होना, लग्नेश का मैं रिपीट करता हूं, लग्नेश का लग्न भाव पे, कार्य भाव पे, कार्येश पे या चंद्र पे दृष्टि होना, कार्येश का लग्न भाव पे, लग्नेश पे, कार्य स्थान पे या चंद्र पे दृष्टि होना, और चंद्र का लग्न पे, लग्नेश पे, कार्येश पे या कार्य भाव पे दृष्टि होना, इसमें से जितना ज्यादातर ये होंगे उतना प्रश्न कुंडली का उत्तर बराबर आने की संभावना है। प्रश्न कुंडली का उत्तर जो सब एक सारी के नहीं लग रहे, जो मैंने बताया वो सब एक सारी के नहीं ना लग रहे, अलग अलग वो समझ रहे हैं आप, ओके। तो इतने में इसमें से जितने भी ज्यादा होंगे उतना प्रश्न कुंडली का उत्तर पॉजिटिव आने की संभावना है। हाँ, लग्नेश का लग्न भाव पे, कार्य भाव पे,
कार्येश पे या चंद्र पे दृष्टि होना, वैसे ही कार्येश का भी और चंद्र का लग्न भाव पे, लग्नेश पे, कार्य स्थान पे, कार्येश पे दृष्टि होना, इनमें से जितने भी ज्यादा होंगे प्रश्न कुंडली में, वो ज्यादातर पॉजिटिव उत्तर आने की चांसेस है। प्रश्न कुंडली सिर्फ आगे होने वाली घटना नहीं बताती है, पीछे क्या हुआ है ये भी बताती है, और उसके लिए जो ताजिक योग है वो हमको बहुत मदद करते हैं। एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे मुलुंड के, विवा दिवेकर करके, उन्होंने 89 में मुझे ताजिक योग सिखाया था। 1989 में उन्होंने ताजिक योग सिखाया था, तो उस टाइम उन्होंने बताया था कि अगर प्रश्न कुंडली आपको सही तरीके से आनी चाहिए तो ये ताजिक योग सीख लेना बहुत ही जरूरी है। और ये ताजिक योग क्या है, उसमें चार योग है लेकिन दो महत्वपूर्ण है वो मैं बताता हूँ, जो पास्ट के बारे में बताएंगे और फ्यूचर के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जो सात ग्रह है उसमें कोई शीघ्र गति है, कोई मंद गति है, कोई शीघ्र गति है और कोई मंद गति ग्रह है। तो लग्नेश कार्येश और चंद्र में, लग्नेश कार्येश और चंद्र में अगर मंद गति ग्रह के डी अंश शीघ्र गति ग्रह से कम होंगे, लग्नेश चंद्र तो हमेशा शीघ्र गति ही होगा, लग्नेश और कार्येश उसके अंश चंद्र से अगर ज्यादा होंगे, चंद्र शीघ्र गति है ना, तो चंद्र उनको कैच करेगा कि नहीं, वो शीघ्र गति है तो वो उनको कैच करेगा, तो वो होने वाली आगे होने वाली घटना के बारे में बताएंगे। क्या हुआ, समझ में नहीं आया मुझे? और दूसरी तरीके से अगर देखेंगे कि अगर मंद गति ग्रह का अंश शीघ्र गति ग्रह से कम है, मतलब शीघ्र गति ग्रह उससे आगे निकल चुका है, तो पहला जो योग है उसको हम लोग इत्थशाल बोलते हैं, जो होने वाली घटना बताता है। ताजिक योग में जो इत्थशाल योग है, जो पहला मैंने कहा कि मंद गति ग्रह के अंश शीघ्र गति से ज्यादा होंगे तो इत्थशाल योग है, वो होने वाली घटना बताएगा। और अगर मंद गति ग्रह के अंश शीघ्र गति ग्रह से कम है तो उसको बोलते हैं इसराफ या मुसरिफ योग। इसराफ या मुसरिफ योग वो जो घटना हो चुकी है उसके बारे में बताएगा, जो घटना हो चुकी है उसके बारे में वो बताएगा। तो इन सब के सहारे भोला स्वामी, लग्नेश कार्येश और चंद्र, इन सब के सहारे हम लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी देने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी हम लोग जेट एज में है ना, हमारे पास टाइम नहीं है, कोई भी फटाफट फटाफट होना चाहिए। मतलब कैसे, अगर लड़का खो गया तो मैं अगर उनको बोलूं कि बैठिए मैं कुंडली बनाता हूं, आधा घंटा लगेगा, बाद में मैं उसकी पढ़ाई करके मैं बताऊंगा, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो बोलेगा आधा घंटा यहाँ बैठने से अच्छा मैं उसको ढूंढता हूँ। ठीक है, तो जेट एज में है, मतलब हमको फास्ट रीडिंग चाहिए और वो भी एक्यूरेट चाहिए। तो नॉर्मली हम लोगों को टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हमारे पास 12 भाव है, 12 राशि है, 12 ग्रह है, इन सब के सोच, सबका विचार तौलने का अभ्यास करके हमको जवाब देना, इसलिए हम लोगों को टाइम लगता है। लेकिन अभी तो मैं आपका ध्यान सिर्फ 3 ग्रह और एक होरा स्वामी की तरफ ही ये कर रहा हूं, तो टाइम कम लगना चाहिए। तो प्रश्न कुंडली का जवाब देने के लिए मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो मिनिमम टाइम, मैक्सिमम एक्यूरेसी, ये सब ये हम लोग अचीव करेंगे इसके बारे में। और एक कंडीशन है प्रश्न कुंडली के बारे में, मैं ये सब इसके लिए बोल रहा हूं कि आगे जाके आपको होरास्कोप जो देखनी है तो उस टाइम ये सब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रश्नकर्ता का जो सवाल है वो उसके लफ्ज में, उसके वर्ड्स में लिखने को बोलिए, उसके वर्ड्स में लिखने को बोलिए। जैसे कि अभी एक मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको कि एक मरीज हॉस्पिटलाइज है, सीरियस केस है,
तो उसके बारे में दो तरीके से पूछा जा सकता है कि एक है सब कुछ ठीक होगा ना, वो सब कुछ ठीक होगा ना, ये एक है, और दूसरा है कोई अघटित तो नहीं होगा। एक आदमी पूछेगा सब कुछ ठीक होगा ना, और दूसरा वही इवेंट के बारे में पूछेगा कोई अघटित तो नहीं होगा ना। और हमने कहा, हमने पहले ही देखा कि अगर लग्नेश कार्येश और चंद्र में इंतशाल है तो उसका जवाब मुझे हाँ में लेना है। तो अगर वो लिखता है सब कुछ ठीक होगा ना, तो उसका जवाब मैं हाँ भी दे सकता हूँ, और अगर वो पूछता है कुछ अघटित तो नहीं होगा ना, उसका भी जवाब मुझे हाँ देना पड़ेगा। इसीलिए प्रश्नकर्ता का जो सवाल है वो उसके लफ्ज में लिखा कीजिए, उसके वर्ड्स में लिखा कीजिए, तो हम लोग प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपको कुछ सवाल है क्या? अभी तक जो मैंने बताया उसके बारे में कुछ सवाल है क्या? थोड़ा ब्रेक आपकी, मतलब बातें करते ये करेंगे, मुझे भी थोड़ा ब्रेक होगा। कुछ सवाल है तो पूछ लिए, जो जो थियरी मैंने बताई उसके बारे में कुछ सवाल है तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहला ये है, पहला जो सब ये किया हुआ है कि हु इज द थीफ। हमारे यहाँ डोंबिवली में डॉक्टर योगेश आचार्य है, उनके उनसे जुड़ा हुआ ये सवाल है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। यस, प्रश्न कुंडली का टाइम पीरियड कितना होता है? प्रश्न कुंडली बनाने की उस मतलब उसका जवाब का टाइम ड्यूरेशन कैसा रहेगा, तो उसके लिए वही मैं बस ये कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि उसके लिए ये जो मैंने इंतशाल योग जो बताया आपने, अब ये वही उसका जवाब देगा। और लग्न का जो हम लोगों को चर स्थिर द्वि स्वभाव मालूम है, तो चर में चर कुंडली में अगर प्रश्न होगा तो उसका जवाब तुरंत मिलेगा। स्थिर में अगर स्थिर लग्न आएगा तो उसको टाइम लगेगा, द्वि स्वभाव को भी टाइम लगेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने जो चार ग्रह देखे हैं उसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके टाइम निकालेंगे। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपने जो पूछा उसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। ये 1050 को मैंने बनाया, वही मैं स्टैंडर्ड लिखूंगा, और मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 ही मिनट मिलने वाले हैं उसका जवाब देने के लिए। जैसे ही आप सामने आके कुछ सवाल करेंगे तो उस टाइम मैं कुंडली बनाऊंगा और तुरंत 5 मिनट में आपको जवाब दूंगा। आप थोड़ा आगे आके करेंगे तो बेटर कम्युनिकेशन होगा। सवाल क्या है, आपने ना बोला तो दोबारा वही प्रश्न वो कब पूछ सकता है? शादी कब होगी? अभी मुझे मैक्सिमम कितना टाइम तक हमको प्रश्न कुंडली जवाब दे सकता है? 6 महीना तक, में 1 साल तक, के 2 साल तक? वो जो उसके लिए भी गाइड हमें जो करने वाला है, ये जो लग्नेश कार्येश और चंद्र है वही हमको गाइड करेगा। और दूसरी बात यह है, आप पहली एक बात भूल गए हो कि प्रश्न कुंडली हम किसके लिए यूज करेंगे, ऐसे कहा था। जो सवाल मैं लग्न कुंडली से नहीं दे पाता हूं, उसके लिए मैं प्रश्न कुंडली यूज करूंगा। अगर मेरे पास लग्न कुंडली है और उसका जवाब मैं लग्न कुंडली से दे पाता हूं तो मुझे लग्न कुंडली से ही देना है। और अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वही जिसका जो टाइम चल रहा है वही टाइम में वो हमारे सामने आएगा। देखते हैं हम लोग कैसे, कि पहला ये है कि हु इज द थीफ। तो ये डॉक्टर आचार्य थे, उनके एक रिलेटिव मेरी स्टूडेंट की, तो वो आई थी कि सर हमारे घर में चोरी हो गई। तो नॉर्मली चोरी का जो सवाल है उसका जवाब, या चोर के बारे में जो विवेचन है उसका जवाब, उसका चोर का वर्णन हम लोग सप्तम भाव से देख सकते हैं प्रश्न कुंडली में।
चोर का विवेचन हम लोग सप्तम भाव से देख सकते हैं। तो उसने कहा कि चोर जो मतलब जैसे कि अगर मंगल या बुध सप्तम भाव में है तो चोर दट्टा कट्टा नौजवान होगा, वही चंद्र शुक्र जैसा स्त्री ग्रह सप्तम भाव में है तो कोई महिला चोर हो सकती है, गुरु जैसा ग्रह होगा तो कोई कोई बड़ा गुरु शनि जैसा व्यक्ति अगर होगा तो किसी कोई बड़े व्यक्ति के ऊपर हम लोग शक ले सकते हैं। तो इधर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि चोर कौन होगा, ये उनका सवाल है क्या? मैं उन्होंने लिखा है हु इज द थीफ, तो मैंने पहले देखा कि वो जो पूछ रही है वो प्रश्न कुंडली रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं घर में चोरी हुई है तो चोर कौन हो। तो द्वितीय स्थान में चंद्र है, तो जैसे मैंने कहा कि चंद्र प्रश्न कुंडली का आत्मा है, तो द्वितीय स्थान में चंद्र और उसका जो घोरा है, इसमें घोरा उन्होंने बताया नहीं, मैं बोलता हूं आपको, आप जरा नोट कीजिए कि इसका जो घोरा है वो शुक्र का घोरा चल रहा था, जब उन्होंने पूछा तो शुक्र का घोरा चल रहा था। आप देखेंगे कि शुक्र इनका व्यय भाव में है मतलब, और चंद्र धन स्थान में है, तो सवाल पैसे के बारे में था और शुक्र व्यय भाव में है, जो होरा स्वामी है वो क्या बता रहा है, कुछ ना कुछ तो होया है, मतलब प्रश्न बराबर बता रहे हैं वो लोग। और अभी हम लोग देखेंगे कि उसका जवाब हाँ में आना चाहिए या ना में आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि लग्नेश, इसका लग्नेश जो है वो इधर कार्यस्थान होगा, द्वितीय स्थान कार्यस्थ होगा और कार्येश गुरु होगा, मंगल लग्नेश जो मंगल है उसकी दृष्टि द्वितीय भाव पे है मतलब कार्येश पे है, लग्नेश मंगल की दृष्टि कार्येश पे है और कार्येश जो गुरु है वो कहाँ है, देखिए नाइन्थ हाउस, कार्येश जो गुरु है वो नाइन्थ में है, उसकी दृष्टि लग्न पे है, ठीक है, मतलब जो हमने सीखा है वो हिसाब से इसका जवाब हाँ में आना चाहिए, मतलब ये चोर कौन होगा ये मैं ढूंढ पाऊंगा। तो अभी उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो है लेकिन चोर कौन है, तो मैंने मैं सप्तम स्थान की वहां गया तो सप्तम में देखा तो राहु है, तो हम लोगों को मालूम है कि राहु जो है शनि और राहु वो जो है कि वो फोर्थ क्लास किए रहते हैं जो घर में सर्वेंट है वो है। तो मैंने कहा कि नहीं आपके घर में जो सर्वेंट है उन्होंने चोरी की होगी, तो उन्होंने कहा ये हमको मालूम है, मालूम है, आप मुझे बताइए उनका नाम क्या है, आप मुझे बताइए कि उनका नाम क्या है। तो हम लोगों को सबको मालूम है कि ये राहु को देह नहीं है, तो इससे मैं उनका उसका नाम नहीं बता पाऊंगा, तो वो नाम दिए करने के लिए मुझे ये जो वृषभ राशि आ रही है उसका स्वामी कौन है, शुक्र जो होरा स्वामी भी है उसकी तरफ फिर से घूमना होगा, और ये शुक्र जो है वो तुल राशि में है, तो तुल राशि का नाम क्या है, रो है ना। तो मैंने उनको पूछा कि आप जो बोल रहे हैं कि दो चोर है और वो मतलब दो नौकर है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर उंगली कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये बोल रहा है कि उसने चोरी की, वो बोल रहा है कि इसने चोरी की। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो दो सर्वेंट साहब बोल रहे हैं इनमें से किसी एक का नाम र से शुरू होता है क्या, तो उन्होंने कहा एक जो एक है उसका नाम रवि है। तो अभी और आगे जाके मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं क्या, तो मैंने उनको पूछा कि ये स्थान देखो व्यय स्थान है मतलब जो लग्न है उसका व्यय है, तो ये घूमने फिरने का स्थान है ना, व्यय स्थान घूमने फिरने का है, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो भी रवि है ये कहीं बाहर गया है क्या, बोले नहीं आज सुबह वो टिकट निकाल के आया है शाम को जाने वाला है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कितने ग्रह में की तरफ मैंने ध्यान दिया, सिर्फ लग्न के ऊपर ध्यान दिया, लग्नेश के ऊपर ध्यान दिया, कार्यस्थान के ऊपर ध्यान दिया, कार्येश के ऊपर ध्यान दिया और होरा स्वामी के ऊपर ध्यान दिया, और टाइम कितना लगा मुझे अभी आपको डिस्क्राइब करने में मुझे 5 मिनट लगा, लेकिन जवाब देने के लिए मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि मुझे बाकी सब देखना ही नहीं है कि उसका शनि कहाँ है उसका रवि कहाँ है, ये सब मुझे देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ 4 ग्रह की तरफ ध्यान देना है, और होरा स्वामी और चंद्र का मैंने नोट कर लिया,
मतलब सिर्फ मुझे देखना है लग्नेश और कार्येश हाँ बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरी दूसरी कुंडली की तरफ देखते हैं, चलते हैं। भी ये जो कुंडली है, आप टाइम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सामने बैठ के मैंने नहीं शुरू की है। यस सामान मिलेगा सब, क्योंकि लग्नेश और कार्येश का लग्न और कार्य भाव पे दृष्टि है, तो पकड़ा ना उसको, शाम को जाने वाला था उसको पकड़ लिया उन्होंने, उसने हाथ हाँ कर दिया और सामान मिल गया। लेकिन सवाल क्या था, सामान मिलेगा था या सवाल था क्या, सवाल क्या था, चोर कौन है? मुझे सिर्फ उतना ही जवाब देना है, मैं मेरे इंटरेस्ट से और ज्यादा ढूंढ रहा हूँ उसमें, है कि नहीं? तो दूसरा ये अगर आप देखेंगे टाइम कि 6:30 मॉर्निंग, तो इतने सुबह तो कोई सामने आके बैठता नहीं है, तो ये सवाल मैंने एक स्टूडेंट थी उन्होंने टेलीफोन पे मुझे पूछा कि सर हमारे पड़ोसी है वो कल शाम को बाहर गए हैं। मैंने पूछा क्या करते हैं पड़ोसी, वो बोले बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बड़े ऑफिसर है वो। मैंने कल शाम से बाहर गए हुए हैं और अभी हम और रात को घर नहीं लौटे, तो हम लोग सब रात भर उनको ढूंढ रहे हैं, हम लोग सब रात भर उनको ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे करके अभी मैंने आपको फोन किया। तो मैंने कहा अभी मेरे पास तो पहचान है ही नहीं, तुमने कुंडली बनाई? तो उसने कहा मैंने कुंडली बनाई सर अभी की 6:30 की कुंडली मैंने बनाई है, मैं बताता भी बताती हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है बताइए। अर्जुन सी है ना, कोई भी ऐसे 6:30 AM को कोई टेलीफोन करके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, स्पेशली स्टूडेंट और सर का रिलेशन होगा वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, है कि नहीं? तो अर्जुन सी करके उन्होंने ये किया, ठीक है। तो उन्होंने कुंडली जो बताई वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में रवि है। मैं जानबूझ के ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लग्न में रवि है, तृतीय भाव में चंद्र और मंगल है, मतलब लग्नेश और चंद्र दोनों भी तृतीय स्थान में गए थे। और अगर आप डिग्रीज देखेंगे तो चंद्र की डिग्री है 25 बराबर और मंगल की डिग्री है 24, मतलब ये दोनों भी धनिष्ठा नक्षत्र में है। क्या ये जो स्टूडेंट थी वो इसके पहले मुझे फोन नहीं कर सकती थी क्या? जो 6:30 बजे मुझे जगा रही है वो 6 बजे भी जगा सकती थी, 5:30 बजे भी जगा सकती थी ना, या फिर 7:30 8 8 बजे भी मुझे फोन कॉल कर सकती थी, उसने मुझे 6:30 बजे ही फोन किया। तो ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है, तो मैंने उसको कहा था कि सुबह 11 बजे आप वो नेबर की कुंडली है तो लेके आइए, तो लेके आई थी 11 बजे वो कुंडली, और जो मिसिंग पर्सन था उसका भी धनिष्ठा नक्षत्र और मकर राशि ही थी। अगर ये आधा घंटा पहले आती थी तो वो धनिष्ठा नक्षत्र होता था क्या? श्रवण होता था बराबर है कि? और अगर और 3-4 घंटा आगे जाती थी तो धनिष्ठा होता था लेकिन कुंभ राशि होती थी, है कि नहीं? लेकिन उसका जो मिसिंग पर्सन था उसका धनिष्ठा नक्षत्र और मकर राशि ही थी। तो ये मुझे जो मैंने कहा कि घटनाएं जो घटती है या हम जो सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो जो करंट पीरियड है जो टाइम है उसके हिसाब से ही चल रहा है। अच्छा उसके पहले मैं एक थोड़ा ब्रेक लेके ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मैंने ऐसा कहा मैंने वैसे कहा, तो ये जो मैं जो हूँ इज अ पार्ट ऑफ दैट प्ले, मैं वो प्ले का पार्ट कर रहा हूँ। ये जो सभी जो अचूकता ये है एक्यूरेसी है उसका ऑल क्रेडिट गोज टू द एस्ट्रोलॉजी, मैं सिर्फ एक पार्ट हूँ और उसके लिए। लेकिन प्रश्न कुंडल जैसे सुनील सर ने कहा कि स्टोरी मालूम होनी चाहिए, कोई भी कुंडली की स्टोरी मालूम होनी चाहिए, तो वो कुंडली को स्टोरी का मैं एक पार्ट हूँ, इसलिए मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है कि ये मैंने कहा इसे, लेकिन असल में वो पार्ट ऑफ द प्ले है, ठीक है। तो बात हम देखेंगे कि वृश्चिक लग्न है, मकर राशि में लग्नेश भी है और चंद्र भी है, तो उसने कहा मां कि सर लग्न में रवि है और उसने फोन पे ही ये कुंडली बताई।
तो मैंने कहा कि यह आदमी तुरंत जैसे फोन पे ही मुझे जवाब देना है, तो मैंने कहा कि यह आदमी बिहाइंड द बार है। सर कैसे बोल रहे हैं आप? मतलब देखो, हम पहली पर पहला लेसन हम लोग सीखे हुए हैं कि रवि अगर शनि से युति कर रहा है या शनि की दृष्टि है रवि के ऊपर, तो वो बंधन योग है। तो हम लोग बाकी ये मंगल चंद्र के बाद बाद में जाएंगे। पहले मैं क्या देखूंगा कि लग्न में कौन आया है और उसके ऊपर और कौन कौन दृष्टि डाल रहे हैं। तो पहले ही मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा, पहले ही मुझे नोट करना पड़ेगा कि ये रवि शनि जो एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये बंधन योग है। तो मैंने कहा कि ये बिहाइंड द बार है। सर ऐसे नहीं हो सकता है। बोले तो क्यों? उसे उसका जो पास्ट है बहुत ही अच्छे फैमिली से आया हुआ है। जितनी लग्न है उसका लग्न स्वामी मंगल और चंद्र, उनकी डिग्री अगर आप देखेंगे तो चंद्र की 25 डिग्री है और मंगल की 24 है। मतलब हम लोगों ने जो ताजिक योग की बात की, वो ताजिक योग का में लग्ने और चंद्र का इसराफ हो चुका है। मतलब जो हुआ है उसके बारे में वो बता रहे हैं, जो घटना हुई है उसके बारे में वो बताने वाला है। और दूसरी बात अगर हम लोग यह देखेंगे, जैसे रवि शनि मैंने अपोजिशन कहा, तो होरा स्वामी जो था उस टाइम, होरा स्वामी शनि था, वो शनि सप्तम भाव में वृषभ राशि में है। शनि सप्तम भाव में वृषभ राशि में है। तो उन्होंने कहा कि सर ये नहीं हो सकता है, ये आदमी बिहाइंड द बार हो नहीं सकता है। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, ये अच्छे फैमिली का आदमी है और बैंक ऑफ इंडिया में खूब बहुत बड़ा ऑफिसर है। मैं बोला लेकिन कुंडली तो वही बता रही है, ठीक है जो बोले। बोले कब उनके बारे में कब मालूम होगा? जैसे स्थिर लग्न आया था और होरा स्वामी शनि मंदगति आया था, तो मैंने, और दूसरी एक बात आप नोट कीजिए कि चंद्र अगर प्रश्न कुंडली में चंद्र अगर केंद्र में आने वाला होगा, प्रश्न कुंडली में चंद्र अगर केंद्र में आने वाला होगा तो स्पेशली रिगार्डिंग द मिसिंग पर्सन वो आदमी घर में आ जाता है। मतलब नॉर्मली हम लोग लाभ स्थान अच्छा बोलते हैं, है ना, और व्यय स्थान अशुभ बोलते हैं। लेकिन लाभस्थान के चंद्र का अगर ये जो मैंने कहा ये विचार अगर देखेंगे, तो लाभस्थान का अगर सोच देखेंगे तो चंद्र केंद्र से बाहर निकल चुका है, और व्ययस्थान का अगर चंद्र होगा तो वो केंद्र में आने वाला है। तो चंद्र अगर केंद्र में आने वाला होगा तो, और मिसिंग पर्सन के बारे में सवाल होगा, तो वो जरूर घर में आएगा। तो अभी तो मैंने कहा कि स्थिर लग्न है और होरा स्वामी शनि मंदगति ग्रह है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कुंडली जैसे ही रोटेट होगी और फिर से स्थिर लग्न आएगा तो उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगी। और फिर जब आगे वाला स्थिर लग्न आएगा तो आदमी घर आ जाएगा, तो आदमी घर आ जाएगा। तो ऐसे क्यों अब तक सब, तो ऐसे ये करो कि शनि जैसे कोई तत्व के बारे में बोल रहे थे कि कौन से तत्व का है, वायु तत्व का है ना। तो ऐसे होता है कि वायु एक ही साथ ये हो रहा है, दो हो रहा है, नहीं होता है, तो रुक रुक के होता है, उसको बोलते हैं मुरु मुरु, ये रुक रुक के वो आता है। तो अगर शनि होरा स्वामी होगा या शनि ये लग्नेश कार्येश और इसमें जो अगर होगा तो घटनाएं इंस्टॉलमेंट में होगी। तो घटना घड़ी ऐसी आगे, सुबह 11 बजे कल्याण कोर्ट से इनके घर में फोन आया। उस टाइम लग्न चल रहा था, कुंभ लग्न चल रहा था। 11 बजे कल्याण कोर्ट से इनके घर में फोन आया कि रात आपका आदमी हमारे कब्जे में है। बोले क्यों? बोले ये जो गए थे कोई पार्टी ने एक ट्रीट अरेंज की थी, बड़े होटल में ट्रीट अरेंज की थी और रात में वो होटल पे रेड हो गई।
उनमें जैसे ही सब पकड़े गए वैसे ये भी पकड़े गए और सबको इसमें खड़ा कर दिया गया। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग सिर्फ लग्न और चंद्र की तरफ देखेंगे तो कोई बोलेगा ये आदमी घूमने गया है, ये बोले कोई बोलेगा पड़ोसी के पास गया है, कोई बोलेगा रिलेटिव के पास गया है। लेकिन ये सब कौन है? लग्न से जुड़े हुए हैं ना, तो लग्न में पहले कौन है? रवि है और उसके सामने शनि है, तो पहला असर किसके ऊपर होगा? लग्न में जो ग्रह आया है उसके ऊपर पहला असर होगा और वो रवि शनि बंधन योग। ये मैं फर्स्ट लेसन पढ़ा हूँ एस्ट्रोलॉजी, जब से पढ़ना चालू किया हूँ तभी से मैं, और आप आम जिंदगी में भी देखिए, नॉट नेसेसरी हिट शूट पेपर, जिनके भी कुंडली में रवि शनि युति है या रवि शनि प्रतियोग है, नॉट नेसेसरी वो ऑल द टाइम बिहाइंड द बार रहेंगे, लेकिन वो फ्री नहीं रहेंगे, अपने हिसाब से अपने मन से काम नहीं कर पाएंगे, उनको हमेशा सामने वाले डिक्टेट करेगा और उनको काम करना पड़ेगा। आप देखिए अपने आप, अगर आपके होरास्कोप में है तो देखिए, अगर रवि शनि युद्ध रवि शनि प्रतियोग है तो वो उसको बंधन योग कहा गया है। तो ये आदमी जैसे दोपहर में मालूम होगा हुआ कि कोर्ट से फोन आया कि ऐसे ऐसे इनको रेड में पकड़ा गया है और इनकी बेल हो जाएगी लेकिन उनका ये भरना पड़ेगा, तो वो भर के शाम को जब वृषभ लग्न था उस टाइम ये आदमी घर में आया, अगेन इन द स्थिर लग्न, मतलब वो भी रवि शनि अपोजिशन की ही बात हुई है कि नहीं, लेकिन उस टाइम शनि लग्न में था और रवि सामने था। लेकिन हमारा ये सवाल क्या है कि नेवर मिसिंग वेयर दे कुड बी, ये सवाल था, वो कब आएगा वो नहीं देखा, सवाल क्या था कहाँ है, तो उसका जवाब पहले ही इसमें हम लोगों ने दिया कि अगर वो रवि शनि प्रतियोग है सो ही शुड बी बिहाइंड द बार। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, नॉर्मली अंशात्मक युति होगी तो उसका ये और ज्यादा होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये जो प्रश्न कुंडली है काल बदलने वाला है कि नहीं? काल बदलने वाला है, जो आज अभी चल रहा है वही शाम को रात को नहीं चलेगा, सुबह नहीं चलेगा। तो प्रश्न कुंडली हम लोग सिर्फ उसके लिए देखेंगे कि जो इंस्टेंट ये है कि नहीं है, उसके लिए देखिए। जन्म कुंडली में अगर होगा आपने बताया, हाँ, तो कैसे? मैंने वही कहा कि जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली देख के हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि 22 नवंबर 2001 को इनको इंप्रिजनमेंट होगी, ये आप बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना, लेकिन हुई है, फैक्ट तो है कि नहीं? मतलब मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनका सवाल जवाब हम लोग जन्म कुंडली से नहीं दे पाते, हमारे लिमिटेशंस है वो हमको मान के चलने चाहिए और उसको कैरी करके हमको सक्सेस की तरफ बढ़ने, सवाल है उसका जवाब तो देना है। मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ पाऊंगा कि नहीं भाई मैं इसका जवाब जन्म कुंडली से नहीं दे पाता, नहीं, मुझे उसका जवाब भी देना। यस, सूर्य कोई भी इससे अगर शनि से बिगड़ा हुआ है उसके घर में भी होने दो, परिवर्तन होगा तो भी होगा परिवर्तन, क्योंकि उसका बेसिक यह है कि रवि शनि युति रवि शनि प्रतियोग बंधन योग है। आप कोई भी पुरानी ये निकाल के देखिए, किताब निकाल के देखिए, उसमें पहला लेसन यह है कि रवि शनि युति बंधन योग है। हॉरोस्कोप नंबर 5 निकालिए, इसकी पार्श्व, ये प्रश्न की पार्श्व भूमि ऐसी है। उसके पहले मुझे कन्फेशन देना है कि ये कुंडली जब मैंने सॉल्व की मुझे भरोसा नहीं था कि मैं बराबर ये करूंगा, लेकिन ये कुंडली का जो मतलब ये प्रश्न का जो मैं अभी घटना बताता हूं आपको,
तो मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा था कि इसका निगेटिव जवाब देना, लेकिन हम लोग अगर देखेंगे तो इसका भाई अगर शुरू में हम लोग देखेंगे तो उसका निगेटिव ही जवाब आता है। लेकिन जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वेल विश काम करती है, बोलते हैं कि नहीं कि हम अगर किसी के बड़े के पैर छू मैं तो और वो बोलता है कि शुभम बहुत तो मेरा अच्छा होने वाला है, ऐसा बोलते हैं। वैसे ही कि मन में इच्छा यही थी कि इसका जवाब सही आना, तो इसके पीछे इसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि ये किया है 7:30 PM को शाम को। तो ये टाइम में एक पिताजी अपनी 6 साल की बेटी को लेके, उसकी माँ नहीं है, माँ गुजर चुकी है, उसको लेके आए थे और बोले थे नॉर्मली उसके, और एक बोलता हूँ कि कभी कभार हम लोगों को ऐसे लगता है कि अरे ये कोई सवाल है डायरेक्ट लॉस, ये कोई सवाल है, लेकिन वो घटना से जुड़े हुए लोग अगर हम लोग देखेंगे तो नहीं है वो सवाल। क्यों 5-6 साल की लड़की को लेके वो पिताजी आए, मैंने कहा उसकी माँ भी चल बसी है, उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक पोपट था, वो इसका बहुत ही प्रिय था और कल से वो नहीं मिल रहा है। तो मैंने ये बेटी को समझाया कि ठीक है वो गन्ना नहीं मिल रहा है तो हम लोग दूसरा लाएंगे, तो बोलती नहीं दूसरा नहीं चाहिए मुझे, यही चाहिए, और कल से इसने कुछ खाया भी नहीं है। मतलब हमारे लिए वो हंसी मजाक का सवाल है कि अरे ये कोई सवाल है पैरेट लॉक के, लेकिन वो बच्ची के लिए उसके लिए जिंदगी का सवाल है। तो उस टाइम मैंने ये कुंडली बनाई थी, कन्या लग्न की कुंडली थी, चतुर्थ भाव में चंद्र है, इसका जो हो रहा है वो शुक्र का हो रहा है, उस टाइम जो हो रहा चल रहा था वो शुक्र का हो रहा है, चतुर्थ भाव में चंद्र है। नॉर्मली हम लोग जो पालतू जानवर देखते हैं वो 6th हाउस से देखते हैं, लेकिन 6th हाउस से कौन से जानवर देखते हैं जो मेहनत करते हैं, मतलब गाय भैंस घोड़ा, लेकिन जिसको हम लोग पेट बोलते हैं उसको हम लोग 4th हाउस से देखते हैं। मतलब वो पेट को हम लोग घर के आदमी का दर्जा देते हैं कि नहीं, मतलब हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो उनका कुत्ता सामने आता है तो हम लोग वो कुतला बाजूला है वो कुतला का मंडा था जैसा नाम राजा है सब मंडा की नहीं भैया हम कुत्ता बोल रहे हैं, लेकिन उनका क्या है कि ये कहता है उनके हिसाब से नहीं नहीं कुत्ता नहीं बोलेंगे उसको, उसका नाम राजा है जो वो हमारे घर का एक है। तो हम घर वाले सब हम लोग 4th हाउस से देखते हैं ना, तो वो चंद्र 4th हाउस में आया हुआ है, तो वो प्रश्न इंडिकेट कर रहा है कि ये और इसका लग्नेश जो है बुध, चंद्र की अंश अगर हम लोग देखेंगे तो 3 अंश है और लग्नेश बुध के अंश देखेंगे तो 12 अंश है, लग्नेश बुध के अंश हम लोग देखेंगे तो वो 12 अंश है। तो लग्नेश की लग्न भाव पे दृष्टि, लग्नेश की लग्न भाव पे दृष्टि, और यहाँ कार्येश हम लोग 4th हाउस का जो स्वामी है गुरु जुपिटर, वो कार्येश होगा, वो उच्चिका कर्क राशि में जाके उच्चिका हुआ है ना, जिसको हम लोग इच्छा पूर्ति का स्थान बोलते हैं, लाभ स्थान को हम लोग इच्छा पूर्ति का स्थान बोलते हैं, तो वो कार्येश उधर गया। और कार्येश की लग्नेश के ऊपर भी दृष्टि है, कार्येश की लग्नेश के ऊपर भी दृष्टि है, चंद्र 4th हाउस में है, चंद्र का लग्न से मतलब चंद्र का अंश जो मैंने बताया किया कि 3 अंश का चंद्र है और मर्क्यूरी 12 अंश का है, तो चंद्र का लग्नेश से इत्थशाल हो रहा है और लग्नेश का कार्येश से मतलब मर्क्यूरी के 12 अंश है और जुपिटर के 14 अंश है, तो इसमें फास्ट मूविंग कौन है मर्क्यूरी है ना, तो लग्नेश का कार्येश से उसका भी इत्थशाल हो रहा है बराबर, और लग्नेश बुध की लग्न के ऊपर दृष्टि है बराबर। ये सब बोल रहे हैं कि जवाब पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन कुंडली मैंने और गौर से जब देखी उसके जब और देखी तो मुझे ऐसे लगा कि चंद्र और मंगल दोनों साथ में हैं और चंद्र के अंश जो है वो 3 अंश है और वो पहले किसको मिलेगा, वो मंगल को पहले मिलेगा और वो मंगल ये कुंडली का अष्टमेश है। तो वो लड़की की तरफ देख के
मैं बोला कि अरे भाई मिलेगा तुम्हारा पोपट, लेकिन दिल से मैं घबराया हुआ था, मुझे वो मंगल डरा रहा था, तो वो जो चंद्र मंगल के ऊपर से जा रहा जाने वाला है, तो मुझे डर लग रहा था। और मैं कौन से मुंह से बोलूं कि नहीं मिलेगा, तो वो बोलेगी मैं फिर मैं और भी नहीं खाना पाऊंगी, लेकिन उसका जरूरी ये था उनके हिसाब से कि उसको खाना। मैंने कहा कि नहीं मिल जाएगा, तो उसके सीक्वेंस ऐसे हुए कि 24 तारीख को मैंने वो सॉल्व किया है, लेकिन वो पैरेंट जो मिसिंग है वो 23 मार्च से मिसिंग है। 24 तारीख को मैंने कहा कि मिल जाएगा, 25 तारीख को शाम को फिर आ गए दोनों और बोले सर तुम्ही तो सांगितलं की पोपट मिळेल म्हणून, पण चौकात आम्ही हे केलं की एक जण भेटला तो म्हणाला मी आताच मांजरीच्या तोंडात एक पोपट बघितलं। मी म्हटलं पण तो तुमचा होता का, आम्ही नाही बघितला म्हणाला, पण कोणीतरी सांगितलं की ते मांजरीच्या तोंडामध्ये पोपट हे केलेलं असं 84 रुपये मैंने देखा, फिर भी मैंने नहीं मिळेल तुम्हाला, घाबरू नका मिळेल तुम्हाला म्हणून। और बाद में ऐसे हुआ कि 28 तारीख को जब चंद्र होरा स्वामी शुक्र के ऊपर से जा रहा था, तब उनको मालूम हो गया कि हमारे यहाँ के जो कॉर्पोरेटर थे, एमएलए थे नकुल पाटिल करके, तो उनके कंपाउंड में जाके वो पोपट गिरा है, और उन्होंने अपने आंख से देखा कि हाँ वो है। लेकिन वो जो चौकीदार था, वो चौकीदार बोल रहा था नहीं, वो साहब जब आएंगे तो ही मैं दूंगा। तो 28 को आके उन्होंने बताया कि हाँ हम लोगों ने देखा उसको है, अभी साहब को बारे में तो साहब को कल आने वाले। तो 29 को शाम को जब चंद्र मीन राशि में गया, 29 को शाम को चंद्र जब मीन राशि में गया लग्नेश के उपयोग यहां से, लग्नेश मीन पे है ना, तो मीन राशि में जब चंद्र गया उस टाइम उनके हाथ में वो जो पैरट था वो इनके हाथ में आ गया, और शाम को 8 बजे मुझे बताने आ गए दोनों, वो हाथ में ये लेके केज में डाल के ये भाई मिल गया। मतलब मैंने ये कुंडली इसके लिए ली कि नॉर्मली हमको ऐसे लगता है कि अरे यार काय शुल्लक प्रश्न है, याच्यावरती साधा उपाय नहीं कर दूसरा लेके आओ मार्केट से, लेकिन वो लड़की मान नहीं रही है, नहीं दूसरा नहीं चाहिए मुझे, मेरा है वही चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो अभी और एक देखेंगे, नंबर 6 निकालिए सर। यस, अगर वो बच्ची नहीं होती तब तो सर आप बता देंगे शायद ये नहीं मिलेगा। बच्ची नहीं होती तो मैं आप जरूर बताता था कि अगर मुझे मुश्किल लग रहा है करके। सेफ एस्केप हमेशा रखना चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर रखना चाहिए कि नहीं सर? मगर एक हाउस जो है हाँ। वो और मंगल जो है सिक्योरिटी गार्ड भी आता है ना? नहीं सिक्योरिटी गार्ड आता है, लेकिन ये कुंडली के लिए कौन है वो? ये कुंडली के लिए वो अष्टमेश है ना, ये कुंडली के लिए वो अष्टमेश है, मंगल अष्टमेश है, वो सिक्योरिटी गार्ड आप उसको नहीं, नहीं आप सिक्योरिटी गार्ड आगे के ये कीजिए, लेकिन पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वो अष्टमेश है, और ओनली अष्टमेश नहीं है वो, आप और गौर कर तरफ के गौर तरीके से कुंडली को देखिए, वो सिर्फ अष्टमेश नहीं है, अष्टमेश का अष्टमेश भी है। हाँ वो अष्टमेश का अष्टमेश भी है, तो इसीलिए मुझे पहले डर लगा, और जो डर लगा था वो दूसरे दिन वो रिफ्लेक्ट भी हुआ था कि उन्होंने आके बताया कि एक बिल्ली के मुंह में देखा एक पैरट करके। तो आगे कुंडली के नंबर 6 ये करते हैं, इसमें थोड़ा एक करेक्शन करेंगे। ये जो लिखा है कि बैग हैज बीन लॉस्ट विद कीज, ये जो कीज है वो रिजर्व बैंक में एक ऑफिसर है उसके पास की कीज है, मतलब ऑफिस की चाबियां है, और मनी वो पैसे इनके खुद के रिजर्व बैंक के नहीं है। ऑफिस में जाने निकले थे, हमारी सोसाइटी में रहते हैं, ऑफिस में जाने के लिए निकले थे, गाड़ी में चलते चलते किसी ने इनकी बैग मार दी, तो उन्होंने जाके पहले पुलिस कंप्लेंट कर दी कि भाई मेरी ऐसे ऐसी ये हुई है, और फिर मेरे पास आए कि भाई ऐसा हुआ है क्या होगा। अभी ये थोड़ी ट्रिकी है ये कुंडली, इसमें दो कार्य है, देखो इसमें दो कार्य है। पहले मैं इसका होरा स्वामी बताता हूँ, इसका होरा स्वामी जो है वो गुरु है, इसका जो होरा स्वामी जो है ये कुंडली का वो गुरु है,
ये थोड़ी ट्रिकी कुंडली है, ये थोड़ी ट्रिकी कुंडली है। इसमें दो कार्य है कि एक कार्य जो है वो ये है कीज, ऑफिस कीज है कि नहीं, और दूसरा कार्य जो है पैसा है कि नहीं। तो ऑफिस हम लोग यहां से देखते हैं टेंथ हाउस से, और पैसा कहां से देखते हैं सेकंड हाउस से। मतलब दो कार्य हो गए, एक कार्य ऑफिस के लिए कीज के लिए हो गया, मंगल कार्य हो गया बराबर, और पैसे के लिए कार्य हो गया रवि कार्य हो गया। तो मैंने कुंडली ये बात बनाई और मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि आपकी चाबियां तो मिल जाएगी लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ, ऐसे बताने का पीछे का रीजन मैं बताता हूँ कि अभी पहले इसके तरफ देखते हैं कि फर्स्ट केस में लग्नेश कौन है यहाँ, चंद्र है, चंद्र की डिग्रीज है 11 और कार्येश मंगल है ना फर्स्ट केस में, उसकी डिग्रीज है 15 और वो दोनों साथ में व्यय भाव में है ना। मतलब लग्नेश और कार्येश का इत्थशाल हो रहा है, लग्नेश और कार्येश का इत्थशाल हो रहा है बराबर। उनके साथ गुरु भी है, वो गुरु ये कुंडली का भाग्येश भी है और षष्ठेश भी है बराबर। तो षष्ठ स्थान नॉर्मली हम लोग खराब कहते हैं, अशुभ स्त्री का स्थान में एक आता है करके अशुभ स्थान कहते हैं, लेकिन वहां से ड्यूटी भी तो देखते हैं कि नहीं, ड्यूटी देखते हैं कि नहीं। तो वो भाग्येश भी है ये कुंडली का और षष्ठेश भी है, और वो लग्नेश चंद्र का जैसे कार्येश से इत्थशाल हो रहा है वैसे ही लग्नेश का भाग्येश से जो षष्ठेश भी है और बोरा स्वामी भी है उससे भी इत्थशाल हो रहा है। और कार्येश मंगल और भोरा स्वामी गुरु उनका भी इत्थशाल है, मंगल है 15 डिग्री में और गुरु है 25 डिग्री में, उनका भी इत्थशाल हो रहा है। तो और एक बात यहां है कि चंद्र 12th हाउस से लग्न में आ रहा है, केंद्र में आ रहा है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने शुरू में कहा कि प्रश्न कुंडली के इसमें चंद्र अगर केंद्र में आ रहा होगा तो वो पॉजिटिव आंसर मिलने के चांसेस आते हैं ना। तो पहले केस में सब बोल रहे हैं कि लग्नेश भी बोल रहा है, भाग्येश भी बोल रहा है, कार्येश भी बोल रहा है, उनमें इत्थशाल है तो बोल रहे कि हाँ ये मिल जाएगा। और दूसरा जो कार्येश है रवि, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि धनस्थान और लाभस्थान दोनों पैसा देने वाले है ना। मतलब धनेश अगर लाभेश में होगा तो हम लोग लाभस्थान में होगा तो हम लोग बोलते हैं कि पैसा मिल जाएगा बराबर, लेकिन इधर सिर्फ वो अकेला लाभस्थान में नहीं है, वो सिर्फ अकेला लाभस्थान में नहीं है, उसके साथ वो जो धनेश मतलब जो सेकंड केस में कार्येश है पैसे के बारे में उसकी डिग्री है 27, उसके साथ है शनि जो ये कुंडली का अष्टमेश है और राहु जो ग्रहण योग बताता है कि युति है, रवि शनि रवि राहु युति है। तो ये लाभस्थान में होगा तो पैसा मिलेगा क्या, धनेश लाभस्थान में है तो नॉर्मली पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ कौन तो लेकिन कौन तो आया है, जो अष्टमेश आया है राहु आया है, राहु से युति की है शनि से युति की है तो मिलेगा। हम लोगों ने अभी 10 मिनट पहले देखा कि रवि शनि साथ में रहना, रवि शनि साथ में रहना नहीं मिलता है आपको, डायस मिलेगा नहीं रवि शनि साथ में हो अभी कोई भी कुंडली। तो ये दूसरा एग्जांपल है, रवि शनि साथ में है, कार्येश है वो रवि पैसे का लेकिन पैसा उनका मिल। तो ये शाम जैसे ही उन्होंने सुबह जब ही कंप्लेंट लॉन्च की तो उन्होंने कहा कि मैं आई एम आरबीआई ऑफिसर और ऐसे ऐसे हुआ है। तो आरबीआई जैसे ही उन्होंने कहा तो पुलिस लोग अपने अपने काम में लग गए। तो दोपहर में उनको ये आया कि भाई हाँ आपकी बैग मिल गई है आके लेके जाइए करके। और तो जैसे ही वो गए शाम को लेने के लिए तो पुलिस लोगों ने कहा भाई बैग तो मिली है लेकिन बैग में सिर्फ चाबियां है पैसे नहीं है।
मतलब दो चीज एट अ टाइम ये हुई है, मिसिंग है, लेकिन दोनों की कार्यश अलग अलग है, इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। नॉर्मली हर एक कुंडली में एक ही कार्यश होता है, लेकिन यहाँ दो कार्यश है और एक कार्यश जो है वो अच्छे इसमें है, इक्तशाल योग में है, और दूसरा कार्यश जो है वो अष्टमेश और राहु से एफ्लिक्टेड है, तो वो कैसे फल देगा? तो उनको पैसे नहीं देंगे। हाँ, रखी चाबी घूम गई तो फोर्थ हाउस की हेल्प लेंगे हम लोग। अभी अब सिर्फ दो कुंडली हम लोग लेंगे, एक है सेवंथ नंबर निकालिए, ये डॉटर हॉस्पिटलाइज, मेरे साथ में एक काम करता है, उसके 10 साल की लड़की थी और उसको अर्ली स्टेज का कैंसर था, टाटा में एडमिट थी, अर्ली स्टेज का कैंसर था, टाटा में एडमिट थी, वो मुझे पूछने आया था, मैं ऐसे ऐसे केस है क्या होगा, तो उस टाइम एक कुंडली मैंने बनाई थी, तो आप देखेंगे इसका होरा स्वामी जो है वो बुध है, और ये कुंडली की भी विशेषता ऐसी, जितने भी बाकी कुंडली भी जो मैंने बोलना भूल गया, लेकिन जितनी भी कुंडली मैंने बताई ना, उनका जो जातक था उसकी कुंडली से ये हो रहा था। अभी इसका भी जो मैं बता रहा हूँ, मिथुन लग्न की कुंडली है और वो जातक भी मिथुन लग्न की ही थी, जो हॉस्पिटलाइज थी वो भी मिथुन लग्न की ही थी, मतलब मैं ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो घटना घटती है वो टाइम से रिलेटेड है, जो टाइम चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो यहां अगर आप देखेंगे कि मिथुन लग्न है और गोरा स्वामी बुध जो है वो सप्तम भाव में है, उसकी लग्न पे दृष्टि, वो लग्नेश भी है, बुध गोरा स्वामी भी है और लग्नेश भी है, उसकी लग्न पे दृष्टि है, चंद्र की भी लग्नेश पे दृष्टि है, और चंद्र का बुध से इक्तशाल हो रहा है, दोनों साथ में है, चंद्र 1 डिग्री पे है और बुध 11 डिग्री पे है, बराबर। लेकिन उसकी क्रिटिकल कंडीशन है ये बता रहे हैं कि नहीं कुंडली, कि वो जो लग्नेश जो है वो किसके साथ है? राहु के साथ है, मतलब राहु के साथ है और षष्ठेश मंगल के भी साथ है, वो षष्ठेश मतलब हॉस्पिटलाइज है, तो षष्ठेश मंगल के भी साथ है बुध और राहु के भी साथ है, मंगल 5 डिग्री का है, मतलब मंगल षष्ठेश और लग्नेश का इसराफ हो चुका है, बुध उससे आगे आ चुका है, और राहु 9 डिग्री का है, मतलब मैं एक ही होप्स ये कुंडली का जवाब हाँ देने में ही लगती थी कि वो जो लग्नेश है वो मंगल राहु को पार कर चुका है, वो आगे जाने वाला है, लेकिन आगे वो अष्टम भाव में जाने वाला है, वो जाइए आप, हमारी भी कुंडली में बहुत से टाइम लग्नेश जाता है कि नहीं, अष्टम भाव से जाता है, लेकिन हर टाइम हम लोग ही नहीं होते, लेकिन वो षष्ठेश और अष्टमेश से होके आगे जा रहा है, तो किचन और पंचमी। और एक पॉजिटिव ये मुझे मिला कि पंचमेश पंचमा मध्ये है, पंचमेश शुक्र पंचमा मध्ये है, आणि त्याचा लग्नेशाशी लाभ योग आहे, पंचमेशाचा म्हणजे कार्येशाचा लग्नेशाशी लाभ योग आहे। मैंने कहा कि बहुत मुश्किल समय है, क्योंकि ऑलरेडी वो षष्ठेश के साथ है, राहु के भी साथ है, बहुत ही मुश्किल समय है, लेकिन ये बाहर आ जाएंगे, और यू विल नॉट बिलीव कि वो जो गुरु मीन राशि में 0 डिग्री का था और रवि देखो वृश्चिक में है, मतलब कौन से महीने की कुंडली है, वो दिसंबर की है, और रवि जब मीन में गया गुरु के ऊपर से, उस टाइम वो हॉस्पिटल से बाहर आए, तब तक वो हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन हम लोग कैंसर को बोलते हैं ना जानलेवा बीमारी, ठीक है, अभी और आज के दिन तक वो अच्छी हुई, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस लास्ट महीने में ही आके मिलने गए वो लोग, आज के दिन तक वो अच्छी है, अच्छी पढ़ाई कर रही है।
सर्जरी हुई थी सर सर्जरी हाँ सर्जरी सर्जरी एट हाउस इज आल्सो सर्जरी मंगल की थी कि सर्जरी हुई लेकिन सक्सेसफुल किस बॉडी पार्ट में किस बॉडी पार्ट में कैंसर ल्यूकेमिया और ये ल्यूकेमिया हमको यहाँ नोट नहीं हो रहा है लेकिन उसकी ओरिजिनल कुंडली अगर हम लोग देखेंगे तो वो जरूर वहाँ थे जैसे कि आपने कहा कि लग्न कुंडली का ये तो लग्न कुंडली से हम लोग ये ज्ञान कर सकते हैं कौन सी साइड की बीमारी है लेकिन प्रश्न कुंडली के सामने टाइम है मैंने कहा कि हम उसको सवाल पूछने के लिए टाइम नहीं होता है और उसको तुरंत जवाब चाहते हैं वो हमारे से ठीक है तो उधर ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं लेना है ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा कि जो प्रश्न कुंडली का जवाब देने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट उससे ज्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि हम लोगों को 12 ग्रह 12 राशि 12 भाव की तरफ देखना ही नहीं है हमको लिमिटेड फोकस है हमारा अभी इतने सब कुंडली देख के आपको ऐसे लगा होगा कि सर की सब कुंडली छूटी होगी जितने भी कुंडली प्रश्न कुंडली ये करते हैं सब कुंडली प्रश्न कुंडली के जवाब बराबर देते हैं नॉर्मली आदमी की टेंडेंसी होती है कि जो सही आया वही बोल देते हैं लेकिन ऐसे नहीं है ये जो पहले की जितनी भी कुंडली है और आप अगर मेरे पास आएंगे तो मैंने सॉल्व की हुई नियरली 75 वाला प्रश्न कुंडली के वाला स्कोर मैं आपको बता सकता हूँ जो मैंने सॉल्व की है लेकिन वो करेक्ट आने का जो आनंद है वो आनंद एक कुंडली अभी मैं आपके सामने लास्ट कुंडली मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो आनंद ये जो कुंडली मेरी इसका ये जवाब मैं सही तरीके से नहीं दे पाया इसीलिए लाइफ लॉन्ग मुझे गिल्ट रहेगा नॉर्मली ऐसे होता है कि जैसे जैसे हम लोगों को सक्सेस मिलता है हम लोग ऊपर उठते जाते हैं और ऐसी कोई घटना घटती है कि वो हम लोगों को डाउन तक जमीन पे लाके पटक देता है तो ये मेरी लाइफ में ज्योतिष के जिन 25 साल से मैं ये कर रहा हूँ तो उसमें ये कुंडली ऐसी है कि मैं इतनी जोर से और बुरी तरीके से मैं गिर गया हूँ कि प्रश्न कुंडली के आज तक मैंने नियरली 35 लेक्चर दिए हैं प्रश्न कुंडली के बारे में लेकिन हर टाइम ये कुंडली मुझे याद आती है कि नहीं हमारी जो लिमिटेशंस है एज एक इंसान करके हमारी लिमिटेशंस रहती है एक स्टूडेंट करके हमारी लिमिटेशंस रहती है एक शास्त्र की लिमिटेशंस रहती है ये सब लिमिटेशंस है हम कोई नियंता नहीं है हम स्टूडेंट है ये सिखाने वाली ये कुंडली है वो देखेंगे हम लोग ये मेरा पड़ोसी का ये था 12th स्टैंडर्ड में सीखने वाला ये था ये लड़का लापता हुआ कहाँ मिलेगा हाँ ये दिस वन 21st फरवरी 2005 सुबह 8:45 को मैंने ये किया था और इतना मैं आसमान प्रश्न कुंडली करेक्ट आने की वजह से इतना मैं आसमान में चलता था उस जमाने में कि मैं कुंडली पेपर पे भी नहीं ये करता था वो पंचांग खोल के देखता था हाँ या ना जब मैं जवाब देता था तो ये वैसे ही ये मैंने ये किया था तो जैसे ये कुंडली मैंने देखा कि होरा स्वामी गुरु है ओके ओ, और लग्नेश लग्न मीन है लग्नेश गुरु है लग्नेश होरा स्वामी होके लग्न पे दृष्टि डाल रहा है और पंचमेश चंद्र पंचम भाव में है तो ये दोनों भी पॉजिटिव ही है तो उन्होंने कहा कि कल शाम से वो दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया था और अभी तक आया नहीं 11 बजे उसकी एग्जाम है 12th की एग्जाम थी 11 बजे उसकी एग्जाम है अभी तक आया नहीं है तो आएगा कि नहीं हमको डर है कि वो जो एग्जाम दे पाएगा कि नहीं तो मैंने ये देखा कि भाई लग्नेश की लग्न के ऊपर दृष्टि है पंचमेश स्वराशि का है तो ये आना ही है मैंने कहा नहीं नहीं आ जाएगा डोंट वरी आ जाएगा तो बाद में 11 बजे तो जैसे ज्योतिष के पास आए थे और सोसाइटी के कई लोग और जगह ढूंढने उनके निकले थे कोई जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे के आया था कि भाई ये मिसिंग है करके तो 11 बजे डोंबिवली रेलवे पुलिस स्टेशन से हम लोगों को फोन आया कि भाई रात को ये जो दिवावसई रेलवे है वहां पे एक बॉडी मिली है आप देख के जाइए वो आपकी तो हम लोग गए देखने के लिए और वो
पूरा दो पीस में कटा हुआ वही था। आई वाज सो शॉक कि अरे ये क्या है, मेरा ज्ञान क्या। लेकिन ये जो स्टेज है वो हमारे सब ज्योतिष के लाइफ में आती है। नॉर्मली ऐसे होता है कि कई बार ऐसे होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि कुंडली हम लोग बनाते हैं और जवाब देता है और वो जवाब गलत आता है, तो हम बोलते हैं यार ज्योतिष में कोई दम नहीं है, फालतू है, छोड़ दो इसको। 100 में से 99 लोग बोलते हैं कि ज्योतिष में दम नहीं है, छोड़ दो इसको करके। लेकिन एकाधी ऐसा होता है कि वो बोलता है कि नहीं अरे कुछ तो मुझसे भी गलती हुई होगी। तो मैंने कहा ठीक है और रेफर करेंगे किताबों को। तो मैंने षट पंचशिका करके पृथ्वी यशा की किताब है, बराबीर का बेटा, तो उसकी किताब है षट पंचशिका करके। तो उसमें ऐसे क्लियरली लिखा है कि अगर लड़के के बारे में सवाल होगा, मिसिंग पीस में लड़के के बारे में सवाल होगा, तो पंचम स्थान की जो राशि है, पंचम स्थान की जो राशि है वो लग्न में लिखिए और फिर कुंडली देखिए। फिर मैंने वो तरीके वो डायरेक्शन से इसको देखा तो मेरे ध्यान में आया कि ये जो कर्क लग्न है उसका स्वामी चंद्र जो है वो 27 डिग्री में है ना, नहीं चार डिग्री में, और शनि जो है इधर फोर्थ हाउस में वो 27 डिग्री में है, हाँ ये 27 में, और चंद्र 4 डिग्री में है। तो ये चंद्र कहाँ से आया भाई, वो शनि के ऊपर से गुजर के आगे आया है, और ये शनि ये कर्क लग्न की कुंडली को अष्टमेश होता है। मतलब अगर मैं पंचम स्थान की राशि लग्न भाव में लिखूं तो क्या होता मालूम होता है मुझे कि जो लग्नेश है वो कहां से घूम के आया, वो अष्टमेश के ऊपर से घूम के आया है। अष्टम स्थान को हम लोग मृत्यु स्थान बोलते हैं। और फिर मैंने ये कुंडली को देखा फिर से एक बार, तो मेरे ध्यान में आया कि नहीं मैं इतना भी देखूंगा तो चलेगा, लेकिन मुझे और पक्का ये करना चाहिए। तो मैंने जैसे ही देखा कि ये मीन लग्न की कुंडली है, फिर जब ये लग्न कुंडली ये की, तो ये चंद्र के सामने कौन है, वीनस। चंद्र के सामने कौन है, शुक्र। वो शुक्र ये कुंडली का कौन है, अष्टमेश है, और तृतीय मतलब जिसको हम लोग अष्टम का अष्टम, मतलब ये गार्ड है क्या आपके हिसाब से, नहीं ना, ये जानलेवा है कि नहीं, जानलेवा है कि नहीं। लेकिन ये जब तक मुझे शौक नहीं बैठा था तब तक मैं ऐसे ही चलता था कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं नहीं वो सही है। जैसे ये फेस आती है ना कि मैंने कहा कि गलत होते हैं, वैसे ऐसे भी फेस आती है कि हमारे सब सवाल जवाब सही हो जाते हैं और फिर हम लोगों को लगता है कि यस मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे आते हैं, जैसे सुनील सर ने कहा कि अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे आते हैं तो हम लोगों को मालूम होता है अरे कि मैं कोई कंट्रोलर नहीं हूँ, मुझे ही कंट्रोल करने वाला कोई है, वो मुझसे करवा के ले रहा है, ये मैं सिर्फ एक मीडिया एजेंट हूँ कि जो सामने बैठा है वो और इसके बीच में का। लेकिन एक समाधान हम लोगों को मिलता है कि नहीं, कि कोई भी पॉजिटिव चीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पॉजिटिव घटना में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा अगर सहभाग होता है तो खुशी होती है कि नहीं, और ज्योतिषी को वो खुशी हर रोज मिलती है। और जैसे इंदिरा गांधी की कुंडली अभी चल रही थी, मैंने जवाहरलाल जी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, उसमें जवाहरलाल जी ने लिखा है कि जिंदगी में अगर मेरी वजह से एक आदमी की चेहरे पे हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। ज्योतिषी को वो मौका हर रोज मिलता है, और ये जो आनंद है वो कोई जीरो में बैंक बैलेंस में नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो वो आनंद हम लोग ये आनंद लेने के लिए ज्योतिष सीखेंगे,
सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अनिल सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक्चुअली उन्होंने कहा था कि एस्ट्रो वास्तु के ऊपर आप सर बताइए। मैंने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की फोन पे। एस्ट्रो वास्तु तो आप मेरे एक ये पढ़ चुके हैं, ये मैं बताना करना चाहता हूँ प्रश्न कुंडली के बारे में। आप अगर चाहे तो मैं प्रश्न कुंडली के बारे में लेक्चर दूंगा। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया कि सर ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं प्रश्न कुंडली तो ठीक है, विल डू प्रश्न कुंडली। उसके लिए मैं उम्मीद वो भी थैंक्स बनना चाहता हूँ। यस प्ले तो मेरा रोल जब चालू होगा तो वही हमारा जन्म कब होता है, जब मैं सांस लेता हूँ। मेरे पहले भी जिंदगी थी, लेकिन दुनिया थी मेरे पहले भी, और जब मैंने सांस ली तो मेरी जिंदगी चालू हुई। तो मेरी जब वो कुंडली से ये होगा, मेरा पार्ट जब चालू होगा तो उस टाइम की कुंडली मुझे निकलनी है। यस सर जी, हम ये देख सकते हैं कि कोई आदमी आया और बताता है कि मेरे पास कुंडली नहीं है, मेरा बर्थडे भी नहीं है, तो प्रश्न कुंडली से आप बाकी की जिंदगी का आप ब्यौरा नहीं कर सकते। मैंने शुरू में ही बताया इसके बारे में कि प्रश्न कुंडली से हम लोग लाइव रीडिंग नहीं दे सकते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देंगे। ये लिमिटेशन है ना हर एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आदमी की लिमिटेशन होती है, शास्त्र की लिमिटेशन होती है, एज अ स्टूडेंट करके हमारी लिमिटेशन है। ये तीनों लिमिटेशन पकड़ के हमको चलना है, और हम लोग ये ओवरटेक करेंगे तो फेल हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। इधर कैंसर वाली राइट, कैंसर वाली जो हां, बच्ची की जन्म कुंडली नहीं थी, वो प्रश्न कुंडली थी। वो प्रश्न कुंडली थी पर उन्होंने अपनी बच्ची की कुंडली नहीं लाई थी। उन्होंने हॉस्पिटल से मुझे फोन किया था, हॉस्पिटल से ये किया था। बाद में जैसे मैंने बोला कि भाई कल मुझे ये बताइए आपके लगे क्या है, तो वो देख के मैंने कहा कि वो भी मिथुन लग्न की ही है। घर नहीं जा रहा हूँ, मुझे ड्यूटी जाना है यहाँ से। रियल ग्रेट डेडिकेशन है, रियल ग्रेट डेडिकेशन। आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माय मेंटर टोल्ड मी फ्यू years back, that in a span of 50 years in astrology, he has met thousands of astrologers, जिसको घर में जल्दी जाने में जा सकते हैं। सबसे last minute में मैं सबसे बड़ा secret दूंगा प्रश्न। I am like that. I am a crooked person, extremely crooked. जब मैं छोटा था तो मैंने ब्रूस ली पे हांगकांग से किताब मंगाया था, एंड आस्क फॉर अ बुक फ्रॉम हांगकांग इन विच यू नो हाउ ही यूज्ड टू गेन नॉलेज, ही वुड स्टैंड आउटसाइड हिज टीचर्स हाउस। सो ब्रूस ली यूज्ड टू स्टैंड आउटसाइड हिज टीचर्स क्लास and tell everybody, today there is no class. So all the students will go, he'll still wait for any student who is late. And then, sabko bhaga diya usne, he told them bye bye. Then he will go inside, he'll say, sir, I'm present, it seems there's nobody present today. But sir, please, I will not let you go. So the teacher would think, this is the bore. See everybody else, they are not dedicated. Last mein rukta hai, he'll come. I will teach him the biggest secrets. I still remember in the Guru Purnima function, I did all the drama, many people left, and that's when I switch off the camera. And then I gave a secret. Bhagyo dekh kab hoga?
in 1 second. Dhaval ji is not there. Dhaval ji has left. Very famous astrologer. Dhaval left. Very famous astrologer. He writes in Gujarati newspapers and extremely brilliant. They're going to do a workshop on Bhavcharit with him in some time, 2 months from now. So he said, he's a very popular astrologer and a great professional astrologer. So he said, I tested it on 15 horoscopes, bang on it works. It will work. Of course, there will be exceptions, but there is a 1 second technique. That 1 second technique is like that what Bruce Lee was famous for, 1 inch punch. That 1 inch punch, I've seen the power of, I've seen it on video. He used to throw people off by 9 to 10 feet, 1 inch punch. Big time martial arts, 5 degree black belt, whatever. Normal guy would die. So that 1 second technique is what unfortunately everybody wants. But what they don't realize, वो 1 second technique समझने के लिए apply करने के लिए you require 40 years of struggle, that hard work is there. What in Prashna you must understand, there are various systems. Each one then comes up and creates many new systems. I come from Kerala, there is different system, the Kauri system. Where we change, there are other systems where we change the lagna. The lagna. Okay. Then the arud lagna. We change. It's not this arud lagna. It's not this arud lagna that you see in the software. Where we change that. So depending on the person, suppose madam is sitting in front of me. She asks one question, I'll give an answer. She has another question, I throw the kauri. Okay. Second question, the lagna changes and all. But of course in that your seashells, whatever you call it, I don't know what's the recovery, conch, I don't know what's the English name for it. Okay. In that, what should zindagi aapko karna tha? You have to worship it, energize it, mantra. I still remember my dear friend from Kerala, Shastri, he had gifted it to me. He came here and but I could not follow it because my mistake to make prediction is only drama. Also, there's something important with guys, Sunilji's lecture. Is don't make Prashna a Madari ka tamasha. Don't make Prashna an art of just flaunting your prediction. Here, all the examples that he has given, okay, are of practical cases of where people have problems. Why I admire Sunilji is what my mentor said, you know, I want to see an astrologer. The day I see an astrologer write a book on his failed predictions, that will be the greatest book of all. So easy, na? So easy to give, only highlight correct predictions. Sir has taken a failed prediction and demonstrated. Of course, sitting over there, I was using my brains, and everybody among you might have also been using the brains. Oh, I would have predicted like this. Oh, it is so easy. Where is that horoscope? Saturn was in the fourth house. Now, those who know, how many Bhrigu astrology students are here? So they will sit. They will say Saturn is here. Okay. Saturn is here. Okay, in the house of vehicle. Okay, and the sign is Gemini. So what is Bhrigu astrology? Wherever Saturn sits, second from it, one signification it will destroy. Shani will destroy fifth house, correct? And the fifth rod also. So the power of the Saturn increases, vehicle or train, whatever. I mean, it doesn't matter. Postmortem is easy. Postmortem is easy. I love, and you know, coming to the other topic of making Prashna a drama. I see so many of my friends who are into Prashna, who are doing all kinds of astrology, KP astrology, this, that, etc. They make it a drama. Even I do make it a drama. Okay, I do make it a drama. Okay, so this person will meet at this time only. This, okay, that is to test. You must use it to test your technique.
not to show off. That's what I'm saying. Test the thing. Okay, I'll give you an example. Sir, I'm not trying to criticize. Sir said he will come in mean lagna. Okay. The issue is not that when that lagna will happen, he will come. The issue is testing the technique. Are you understanding? There's a fine difference. A commercial astrologer and a professional astrologer is different. A commercial astrologer will show off. Whether he charge money or not is not the question. That show off is wrong. I'll give another example. I have this great, you know, fantasy of predicting people's dress color. Okay. I love doing it. Phone pay, okay, you're wearing so and so color. I've succeeded many times, I've failed many times. I said, madam, she's the live witness of it. Okay. He came 2 weeks back in the office, Sandhya ji. Okay, she's sitting here. I said, call up someone right now and ask what is the color she's wearing. I wrote it. Give it. That's it. Blue or black, I don't remember. What is the color? Blue and black. Blue and black. So I've written the color. And on the spot, with the same prashna, we did of another person also. 2 people we did. Same prashna. There are methods. And you also, you know, I used to have another this thing, the mole in your body. Where will be the mole in your body? Oh my God, I have never failed. But I failed live in the last interview with Kapil Raj. Of course, I don't have his horoscope because I used to do it with the person's horoscope. Okay? The most important mole in your body, of course, I know what to see with that mole. It's not a joke. Everybody has so many moles. The most important mole, I use it to double check where the energy is coming from. From past life, where the energy is coming from. But I use it in prashna without double checking, without practicing myself. Just to show off, I was live, 5,000 people watching. I failed. Of course, the moment we know Kapil, you know, Kapil will never reveal anything correct, you know. I got his lagna correct, by the way. Okay. I mean, that's what it is. But he will not say. Why should he say? He won't show it. But that is a show off. By prashna, I said, this is your lagna, but that's a show off. So whenever we get into the show off business, and let me tell you, even I do get into it. Every one of us will get into it. Every one of us will get it. That is where our vidya will start going down. One day or the other, it will start going down. Of course, I am not saying that I am a pure soul or this or that. These days on internet, people try to build a big image out of me. No. What I am saying is, what I have seen, this is my experience. I smoke, I don't want others to smoke. But I will never tell you that smoking is right. Correct? Use astrology to help people, as Sir said, to help people. Bring them out of their depressions. Don't make astrology a madari ka tamasha, or as Bombay people will say, dance bar astrology. Don't do that. Don't do that. That's show of business. Many of us will get into doing that. Bahut ego hota hai. Bahut ego hota hai. In my honeymoon night, I was sitting with my wife and she told me, ki, I never knew you're into astrology so much. Stop all this. It's against our this thing. I don't believe in this, blah, blah, blah. I said, tell me a date. Tell me a date of your life. Let it even be 10 years later, before. Okay? I will tell you the color you were wearing. You know what she did? She has only gone for one job in her life. She's a teacher. So she's gone only for one job. One job, one interview. So she remembered the color. Okay. You know the color. And I wrote it on a piece of paper. That's it. Bang on. Permission granted from your wife to continue doing Saptarishis. This thing. Astrology. Continue with the magazine. Okay. But I still feel young. But yes, that prediction saved my skin. Are you understanding? That prediction changed the history of what we call Saptarishi's astrology. Honeymoon night, I guess people should be doing many things, okay? But it saved me. Of course, I was still working in my honeymoon. I was still working. When she would sleep, I'll be on the laptop, I'll send emails out. I still do it. But that point is,
See, there's something I want to say, you know. Okay, I want to say before sir goes. Okay, and I'll never do this publicly. In the Guru Purnima event, something happened, and that should not have happened. One of the speakers, and that's the reason I don't like giving out the numbers. It is, if you go on my website, okay, in saptarishiastrology.com, and you see that in the contact us section, I've written, don't write for predictions, don't write for contact details of astrologers. It creates problem. It creates problems to me. Okay, people think, oh, I want to hire people. No, okay, I want to hire. Period. I spent 60,000 rupees going and finding an astrologer. Hey, what are you doing towards astrology? What are you doing towards astrology? Why should I give you the number? I've given it to 10,000 people. 10,000 people have given all the rarest of astrologers' number. Don't get it. I'll tell you, my own students, right here in Bombay, Hyderabad, I've given them the number of a guy who's absolute master in nakshatra. Absolute master. But my only condition was, whatever you learn, you give it. People don't bring that knowledge out. We are arguing the numbers in Banaras of such rare people. A very famous astrologer, he bitched about it. He went over there, he got the knowledge, he got the manuscripts. Okay? It's from that same guy written in that editorial. You know, Amitabh Bachchan's astrologer told me about that guy in Banaras who has the manuscript of Kalsarpa Yoga. 250 different variations of Kalsarpa Yoga. I wanted that out. So Amitabh Bachchan's astrologer said, "Tere ko nikalna vidya rancha jaake nikal, ye number." Of course, I spent huge amount of time going to that guy. I sent several people to that guy. Okay, finally, what happens? People whom I call commercial astrologers, not professional, commercial. They have gone, taken manuscripts out, then said, "Oh no, usne oath mein diya, ye diya, toh maine tere ko oath nahi diya kya? Didn't I give you oath? I spent 60 grand so that if there is a manuscript, let it help people." I do not believe in Kalsarpa Yoga. But if a rishi has written, I would rather believe in a rishi rather than, are you understanding? There might be something, there is hidden knowledge. So what happened in this Guru Purnima event is, a very great astrologer came. He gave one of the finest speeches. But I had a hint. Pratiksha Ben is not here today. I had wonder, this is the reputation of that guy. They are doing a mistake. But in my hunger to be famous, to create, to bring lot of famous people in a single platform, I succumbed to it. Got that guy. He gave a great speech, people enamored. One of our team members contacted and just said hi on WhatsApp. She said hi on WhatsApp. That person said, "Hey, somebody is sick. A friend's daughter is sick, 50,000 rupees is needed. Can you help? Whatever amount you can." And my dear team member straight away transferred 5,000 rupees. And that person said, "Tomorrow I will give you the money." I'm talking. "Tomorrow I will give you that money back." It's now 2 months. The money has not been given back. The person is evading that guy. Phone band rakhta hai, switches off the phone. WhatsApp, he reads the messages. 1,000 messages gone. Reads the messages, does not respond back. So he'll say, "Okay, give me 2 days, give me 3 days. He'll say, "Okay, give me your bank details, I'll do this." All the running around. I can name that astrologer. But what did I do? I cancelled an event. He's the best in management. He's absolutely the best in India. Uska dil karega aur tarikh nikal ke dega. Tarikh nikal, the date of marriage. Let that vidya get lost. You want to do black magic against me? Do it. I don't care. I don't care. But I will not promote such people. I will not promote such people. That's point one. And before that, I had promised Gala sir, I'll give you the money back. This is the money back. No, I promised, I forgot,
I forgot to tell madam, this is the money. No, Nana sir, I will keep my word. This is the money. I'm taking from a retired man. He's a retired man. And let me tell you, he's one of the most humblest guys. Most humblest guys. I tell him, sir, aapka lecture hai. Then last night I tell him, sir, aaj aapka lecture nahi lete. He'll not say anything. I'm sorry, I'm doing it in public. And the reason I'm doing it in public is, then next time that guy does it to any of my other team, I know I should not be taking Amit Bhai, Samit Bhai. Three more people he's done it. Shall I take the names of those ladies? No, you know what you should do? I know. Don't say. Don't say. This is a public forum and it's being recorded. No, you see, this is my problem, you know. Why I don't like people who come here, who come to my forum or mere se paap hota hai. Because mera bhi ek taka to bhagida rahe na. Mera karma kharaab rahega na jab aise log aate hain. And unfortunately kya hota hai, you build a platform like Saptarishi's astrology which goes in 120 countries, all the crooks in the world will come first to your magazine, to write in your magazine. You reject their article, they start bad-mouthing you. They'll create fake Facebook accounts and write shit about me. And the moment you say, hey, who are you? They delete their profile instantly. That some lady from Malaysia, she did it, some Kavya and all that. What not? People hit below the belt. They hit below the belt. Hey, we know you like being called a guru. Hey, we know you like girls. Hey, we know you especially like the blonde variety. Okay, hey, you know you like the curvy. Hey, what is this? Yeah? Maine tera prediction nahi kiya to tu mere liye aisa karega. Are you understanding? Maine tera expose kiya to tu mere liye aisa karega. This is the problem I face. So many professional astrologers. Mera halat kharab karte. But point is, why did I say 25,000 rupees, you're a professional astrologer, you come here. You pay 25,000 rupees for a year. You can't pay, please don't come. As such, this knowledge is free on the net. I recorded, I put it, but don't come here, because in the garb of a professional astrologer, a commercial astrologer comes and does this. I know many of you have been discussing for hours on the phone, Sunil sir, 25,000 buys you, I don't want you all to come. Mera woh natak hai, agar mere ko chahiye rehta to main 1500 bolta tha na. 2000 बोलता था ना, I don't want. 3 months back, a black magician came here, and we all know who is. Hardcore tantric. 3 months back, I don't bring such people here. Don't bring such people here. I don't care. I know my team says, oh, we need to increase the numbers. You know, पहले खाली 60 लोग आते थे, फिर 20 हो गए, फिर 30 हो गए. I'm like this. You like me? Come, don't let me get lost. I'm not here for a fan forum. I don't do astrology professionally. I don't see it free. But I don't want people coming here, promoting their business and doing this. Don't come here to sell your products. Somebody sold products in the Guru Purnima event. क्या नाम था उसका? व्यास something. Jyoti Vyas, I don't know who it is. Exactly. Isliye maina, you know, Devi Chand ji was telling me, I don't take 200 rupee wala. Wo 1000 rupee per hour, I take. Wo ek ghanta barabar baith ke sikhega. He will learn systematically because he's paying his hard-earned money. He's paying his hard-earned money. This same thing happened in my online course. Astrologers from all over the world, they come, they learn. And I have seen that lady has not come here today because of her mom and dad is alone at home. Okay, saying 1 lakh to be Devi Puja. They come to my course to solicit from that 70 people, foreigners and Indians, pujas. 1 lakh rupee Devi Puja. I have seen that chat. She came to my office with her husband. And her husband is MD of a very, very famous company in India. I said, what is this happening here? What is this happening? 1 lakh rupee Devi Puja. Then she said, no, I don't want to do it. Oh, you don't know you're playing with Devi. You don't know you're playing with that. Don't do this.
I am telling openly, you want to criticize me, criticize me. But I don't want professional astrologers like this. I mean it. She is crying, another girl is crying. Okay, all this is happening, they are coming only for that. Then I've seen the chat, the men trying to act fresh with the women. Let it not happen here. Let it not happen here. I don't say sex is wrong, okay, but not in my course. Not where I stand. A lot of people who come here, trust me. And that's the reason they come here. Sir, ke yahan pe kuch gadbad nahi hoga. Hame phaltu log nahi milenge. You come, you promote your business. Okay, I bring professional astrologers here. Some would charge money, some will not charge money. That's fine. Don't trouble them. Don't trouble them. I mean it. I mean it. 25,000 rupees. You want to sit here, you got to pay 25,000 rupees if you are a professional astrologer. If you are a student, it's free. Abhi to humne do teen lectures se logon ko bola hai snacks leke aane. Humne 4 saal 3 saal kiya with our money. And that time to mere paas jeb mein bhi paise nahi hote. For every month 1,000-2,000 का हमारा खाली चाय और इसका ये होता था. I have done that. I have not bought clothes for my child, but I have done that. And I don't tell my wife I do that, because the moment I say, because she always keeps on saying, you just want to be, okay, you can become a Mahatma Gandhi. That's it. He did not care about his children. Today is 2nd October, by the way. She just, the moment she's really upset, she sends me that Mahatma Gandhi text. I said, okay, chill. Then I said, chamaya. We've done that, yeah. We've done that, we've done so much for astrology, and still people bitch about us. People bitch. I do not like it. Don't come and show me your dirty face. People come here to promote their own organizations. Don't do that. Don't do that. Mujhe Ghaisab sahab ke paas pahunchne ko 6 saal lage. 6 saal, maine sabse number pucha. And I hope you like this lecture. Yes or no? Yes. इसके पहले भी हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, वो नहीं हुआ था. तभी मैंने आपको फोन किया था, 2-3 साल पहले की बात. हर इवेंट हमारा लॉस जाता है, हर इवेंट. Except the small events we do, उधर हमें 10,000 आता है. It doesn't matter. I still remember, I sent a WhatsApp message on our group. He can somebody come and help me in the bookshop? We have shifted. And I saw how many people have come and helped me. And I feel sorry. Of course, I love the guys who come and help me. But for the others, I feel sorry. What secrets I give you? What secrets I've given? Of course, I always see to it. And senior astrologers are sitting over here. I never open my mouth. I never try to show off my knowledge. What secrets? Ek second I've given secrets like this. And that secret, people pay $250 to learn from me, which I give free. $250 they pay. They pay to me. And there also I just give like this. In fact, the biggest secrets I've given in the Mumbai Club meeting, people come and every professional astrologer has come and has promoted his business. And the moment I throw them out, they start bitching. Then those guys who have cheated me of money, 40,000 rupees, people from here go to them. People from here go to them and they know this person has cheated Sunil John of 40,000 rupees. Still they go to them. And then they call me and tell me all these things. No, hey, what has happened to you? You're going to just, yeah, I don't want you guys here. I would rather have 10 people whom I make great. 10 people honest. I'm sorry, I'm not. You might think that I'm emotional or something like that. No, this is how I speak always. And I can still be in control. So let's keep this pure. And please understand, one day or the other, I will always find out about somebody's background. So as I publicly, in front of 5,000 people, threw one guy out, naming that guy, that don't do black magic and this and that, okay? Naming that guy, and I said, I have proof. I have the whole chat. The lady came and showed me the chat.
So same way I can publicly throw anybody out. I don't care. I don't care. So please be careful about what you do in my organization. बहुत मेहनत से खून पसीना एक करके आज भी पैर का वो गया नहीं है, लेकिन बुकशॉप शिफ्ट हुआ तो उठाया ना 60 किलो का उठाया, उठाने का उठाया, दो दिन नहीं उठाया, बाद में मेरे को शर्म आ रहा था, ऑल दिस गाइस वर लिफ्टिंग, मैं नहीं कर रहे, एक ही जगह पे उठाया और दुखते पैर, ठीक है, मेडिसिन लगाने का टाइम नहीं रहते, वी डू इट, वी डू, लुक एट रविंद्र, ही कम्स, लुक एट राज, वेस्ट राज, ही जस्ट लेफ्ट, ओके प्रशांत, ओके टुडे इज गॉट दिस गुरुस प्लेस, और दिस गाइस 20 डेज दे आर विद मी मॉर्निंग टिल इवनिंग, 20 डेज, एंड आई डोंट इवन टीच देम सीक्रेट्स, या I don't even teach them secrets. You guys need to understand, yeah, that do not abuse me. Do not abuse a dream. Our dream has been to bring knowledge out. Do you know how much time and effort, I'll finish this, I know it's taking time. How many of you are into Jyotish for 10 years, 20 years? Did you even know in Hinduism, I've said this before, yeah, in Hinduism, who's our great? It is Adi Shankaracharya. Correct? But do you all even know that Adi Shankaracharya wrote a book on astrology? Do you all even know that? You all don't know that. 3 saal se piche padha, 2 baar mera volunteer London gaya. 2 years she's gone. Came back empty-handed. The other lady, she went there 3 times, did not get it, did not get this. It is there in the London Museum. It is there in the London Museum. Paisa deke nikala hai wahan se. अभी हाथ में आए, 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले. Of course, I love the girl. She did it for me. She tried before. Then she became my student. She did it. You know, it is pride for me. Of course, it's old Tamil. It's old Tamil. 12 chapters. एक गांव में एक आदमी है. उसको हमने 2 लाख रुपए ऑफर किया. नहीं देगा. Okay? 12 chapters of Adi Shankaracharya. Boss. That is worth $1 billion. The knowledge, Adi Shankaracharya. For me, the love is that, to get those manuscripts out. To do what others could not do. And give it out to the world like this. Bhrigu Nadi, I give it out free. Or that professional astrologer, till he wanted that Bhrigu Nadi, he kept on telling me, Dio, I uploaded, cut, that's it. Pahle 50 bech kiya tha, baaki pura 250 bech kar diya. And then what happened? The moment he got it, he said, "Arey, nahi, don't share that knowledge. You know, curse aayega tumhare upar, ye aayega, wo aayega, and all that. Remove." Main dar gaya, yaar. Mainly bahut problem chal raha hai, nikal de. Yeah, I did. I removed it. That's the only manuscript I removed back. Now I don't even know where that manuscript is. Arnab is a guy. One of the Nadis you have held in your hand. I photographed him and put it on Facebook. Look at the stupid responses of people over there. I said, "Arey, yaar." कितना देना पड़ा था वो लाने के लिए हम बोलता नहीं है. वो लोन जो मैंने लिया था 1.5 लाख का, मैंने 2006 में लिया था, अभी लास्ट ईयर जाके वो लोन चुका है, अब फ्री में दिया. चलो तुम करके दिखाओ, प्रोफेशनल सोल्जर करके दिखाए, कमर्शियल करके दिखाए. तुम इधर आता है धंधा करने के लिए. आई फील बैड, रियल बैड अबाउट दीज गाइस. Do not do this, and I mean it. I mean it, Dalal sir. Professional astrologers come, okay? We have expenses. We have expenses of this place. We have expenses of the chairs that we buy. We have so many expenses. They come, they pay. They can't pay, no problem. Free me to dhar hai, net me dhar hai. I'm giving it in YouTube, na free. All this knowledge, thousands of people will see. But you don't come here to do business. So now you'll understand why I said that. I hope. Now you understand why. जो आपके साथ हुआ ना, इतना दिन से आप नहीं समझ रहे थे जब मैं बोल रहा था. मैंने आज इसके लिए सबके सामने इतना ड्रामा किया. जो आपके साथ हुआ ना, you don't allow it to happen to others. और मेरे पास एक स्टोरी खाली आपका नहीं है, मैंने 2-3 और बोला. ऐसा बहुत, एवरी डे इज अ स्कैम फॉर मी. एवरी डे इज अ स्कैम. फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, वन स्कैम और द अदर आई एम सॉल्विंग. लेट इट नॉट हैपन. यू आर अ रिटायर्ड मैन. हार्ड अर्न मनी. हार्ड अर्न मनी. Sorry, I've taken this platform to do this, but I think it was the need of the hour. Need of the hour. Because we Indians are infamous of using our dark arts of Tantra
and scaring people to shell out money. मैडम क्या हो जाते हैं कोई फर्ज क्या जो प्यार प्यार में रहता है बच्चा चाहिए क्या नहीं देता है बच्चा चाहिए अरे ये करो वो करो आज का सुबह का न्यूज़पेपर में काली माँ के नाम पे एक बच्चे को काटा चार साल के बच्चे को रेमेडीज वर्क तंत्र इज देयर आई एग्री बट यू गेट इनटू डार्क आर्ट्स लेट इट नॉट हैपन Thank you so much, guys.